of IBACED, Center of Educational Development Entrepreneurship. और आपको पता है जैसे कि जो एजुकेटर जो है वो बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर टीचिंग स्टूडेंट के प्लीज स्टेप इनटू द बिजनेस. व्हाई? बिकॉज बिजनेस जो है जिससे हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं एज यू ऑल नो एंड वी हैव लर्न इन द क्लासेस राइट के इकोनॉमी अच्छी होती है. जो देने वाला और एक लेने वाला वर्किंग फॉर समबडी एल्स एंड वर्किंग फॉर ओन इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंट. नाउ इज दैट ऑल फॉर माय साइड. नाउ डॉक्टर शाहिद साहब इट्स ओवर टू यू प्लीज. बस जनाब मोइन भाई अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे. रब इशरा ली सदरी व यस्सर ली अमरी तो आदल उद्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली. तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला विजडम और दानाई दे. हमारे बच्चे बच्चियों का टाइम बहुत कीमती है और आई एम अप्रिशिएटिंग दी DHA यूनिवर्सिटीज एफर्ट्स और अल्लाह ताला DHA यूनिवर्सिटी को भी माशाल्लाह और तरक्की दे, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और खिदमत में इनको आगे ले जाए. तो जनाब मेरे प्यारे साथियों बच्चों, डॉक्टर साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लीज प्लीज आई एम वेरी सॉरी. जी रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए. जज़ाकअल्लाह, थैंक यू. जनाब मैं शुक्रगुजार हूँ मईन साहब का जिन्होंने हमारे साथ हम सफ़र बने और ये एक छोटी सी मुलाकात कहीं हुई थी, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं आ रहा मईन साहब से, और वो मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर जब गहराई में गए तो पता चला कि हम बहुत करीब हैं. तो मेरे साथ इमरान मोहम्मद साहब भी IBA से मेरे साथ शिरकत हैं, ये मेरे टीम मेम्बर हैं हमारे साथ, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे. तो बस मेरे प्यारे बच्चों, हम तो अपनी छोटी सी कुछ चोटें, गलतियाँ या जो हमारे साथ बीती है वो थोड़ा सा आपसे शेयर कर देते हैं ताकि आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियर भी हैं तो मैं इंजीनियर भी हूँ, और बहुत सारे लोग बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो हम बिजनेस के स्टूडेंट थे, अभी भी हैं. और इधर मबासी साहब अभी ज्वाइन कर गई जनाब, वेलकम. ये भी हमारी माशाल्लाह बहन ही हैं और ये हमारी टीम का हिस्सा भी रही हैं और अभी भी हैं. हम सब एक दूसरे की टीम का हिस्सा हैं. इरम साहब भी और हम मोइन साहब की टीम का भी हिस्सा हैं और DHA के बोर्ड ऑफ स्टडी भी गोवालबन में हूँ और आते जाते रहते हैं माशाल्लाह. तो इरम अब्बासी साहब थैंक यू फॉर द मैसेज. मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ करें अल्लाह ताला सामी फरमाए. तो जनाब मेरे प्यारे बच्चों, जनाब तो मैंने रिफ्लेक्ट बैक तो इट सीम्स टू बी कि ये दुनिया जो है वो अल्लाह ताला ने बड़ी तनवो और वैरायटी वाली बनाई है. बहुत ही बैब्सन बिजनेस स्कूल दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप में नुमाया मुकाम है उसका. तो वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, वो ये कह रहे थे कि वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ दिस इज़ अ वंडरलैंड. ये जो दुनिया है कि वंडरलैंड है और दुनिया में जैसे ये डिज्नीलैंड है या वंडरलैंड को जो एलिस इन द वंडरलैंड की कहानी थी तो वो एक बच्चों के लिए कहानी लिखी हुई है. तो इसी तरह ये दुनिया जो है ना ये वंडरलैंड है. तो इसको आप वंडर समझ कर, वंडरलैंड समझ कर गुजारो, वंडरलैंड समझ कर इसको इंजॉय करो और इस वंडरलैंड की चीज़ों को एम्ब्रेस करो, इससे इंगेज हो. तो ये मैं ये बातें कर रहा था, सुन रहा था. साल पहले मैं कोर्स करने गया हुआ था तो हमारे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की जो भी डिस्कशन होगी और इसके डिसीजन मेकिंग का हमारे प्यारे भाई मोइन साहब ने कहा, तो इसका हम आगाज़ ये करते हैं कि बेसिकली हम जो है ना इंसानों को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है. हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने मखलूक जानवरों को भी बहुत अच्छा बनाया है, शहद की मक्खी को, बीवर को, और बहुत शानदार बनाया है. मैं क्या अर्ज़ करूँ, यानी हमारे पास जितने भी हमारे जानवर हैं, परिंदे हैं, शहद की मक्खी है, ये ऊंट है, कैमल की आंख जो है उसका एक पर्दा जो है वो आंख का एक पर्दा ट्रांसपेरेंट भी है. जब हवा चलती है और अंधेरी चलती है तो जो ज़र्रात हैं वो ट्रांसपेरेंट वाला पर्दा गिर जाता है. तो कैमल को भी अल्लाह ताला ने शानदार बनाया है और हमारे जानवरों को भी अल्लाह ताला ने, ये हमारे हमने बिल्लियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे. तो हमारे जो मैं जब जर्मनी से आए थे उस वक़्त से 10 साल हो गए, तो हमारी एक बिल्ली का नाम है, हमने कहा यार हम ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम रखें. तो एक बिल्ला बिल्ली हमने ख़रीदा बच्चों ने, तो हमारी बिल्ली का नाम है, मेरा स्टूडेंट था उसका नाम था शुक्री. तो मैंने कहा यार ये ऐसा नाम है जो इंटरेस्टिंग है, हम गोरों को क्यों फॉलो करें, तो लेट्स हैव ए इंटरेस्टिंग नेम.
तुम्हारे बिल्ले का नाम है शुक्री, शुक्र करने वाला। तो मैंने कहा यार जरा तू इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल नाम रखते हैं ना, तो वो फिर हमने कहा बिल्ली का नाम क्या रखें। तो जनाब हमने सोचना शुरू कर दिया, शुक्रिया रखा जा सकता था, और फिर इवेंचुअली उसका नाम नियामती रखा। तो हमारी जो बिल्ली साहब है उनका नाम है नियामती। तो वो हम शुरू में तो हमारी वाइफ ने कहा कि आप क्या ले आए हैं, ये तो घर में डिस्टर्ब करेगी। लेकिन हमने ये देखा कि चंद दिनों के बाद ही वो जो बिल्ली साहब हैं शी गॉट एसोसिएटेड विद माई वाइफ, किचन में जा रही हैं साथ, कपड़े धोने जा रही हैं वहाँ साथ, तो जहाँ पर भी जा रही हैं वो नियामती साहब साथ है, शी इज़ अ सेक्रेटरी। और जो वो जो शुक्री साहब हैं वो बेटों, मेरे दो बेटे हैं तो उनके साथ अटैच हैं। और ऐसी मिशन है कि स्कूल से आने के वक्त वो दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और उनके इशारों पे नाचते हैं, भागते हैं। और वो जुमे के दिन अगर ये चप्पल पहन लें मेरे वाइफ और बच्चे, तो बिल्ला बिल्ली दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं। तो हम बड़े हैरान हुए, मैं चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप से ताल्लुक है और मैं इस पर जानवर पर भी हम कुछ गौर करते आ रहे थे, तो हमने ये देखा कि ये बिल्ला और बिल्ली जो हैं ये इतने समझदार हैं कि ये चप्पल को देखकर समझ लेते हैं कि अब नहलाने का वक्त आ गया और छुप जाते हैं। और हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए मोइन साहब, तो अगर मोइन साहब ने अभी आना है इंशाल्लाह, अभी आई नहीं, तो वो नहीं, मैं ही हूं, मौजूद हूं। नहीं, मैंने कहा घर में कभी बुलाना ना आपको, तो अच्छा अच्छा तो वो अगर आप हमारे घर आएंगे तो जो शुक्री साहब है ना वो ड्राइंग रूम में आकर वो जनाब वेलकम करते हैं, टांगों के साथ रब करते हैं और वो जनाब इंजॉय करते हैं ड्राइंग रूम में मेहमानों के साथ। और जो हमारी नियमती साहिबा हैं वो बेडरूम में जाकर छुप जाती हैं कोई भी मेहमान है, और वो पर्दा करती हैं जी। वो पता नहीं उन्होंने कहाँ से सीखा है, हालांकि हमने इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई, लेकिन वो इंट्रोवर्ट हैं। और जब भी मैं मेरे इवन वाले साहब आते हैं इस्लामाबाद से, तो वो कई दिनों के बाद वो चेहरा दिखाते हैं और फिर जाकर वो कस्टमाइज होती हैं कि अच्छा ये मैं ये सेफ है, ये जो है ना इनके साथ ये मैं अब मेहरम है हमारे, आई कैन शो माई सेल्फ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये अच्छा। उसके बाद ये होता है कि वो मेरी वाइफ जब बिल्ली को बुलाती है तो वो पहली कॉल पर आती है, और जो शुक्री साहब हैं उनको दूसरी तीसरी चौथी कॉल पर आते हैं, उनको तीन चार दफ़ा थोड़ा सा येल भी करना पड़ता है शुक्री, वो फिर आते हैं। और साहब मैं चूँकि ज़रा घर में कम ट्रैवलिंग वगैरह होती तो मेरी तो दसवीं कॉल पर भी नहीं आते। तो फिर हमने ये देखा है कि मैं कभी जर्मनी यूरोप से अभी आया तो बच्चों इनके लिए कैंडीज लेकर आ गए, बिल्लियों के लिए कैट कैंडीज, बॉन बॉन्स। तो वो बॉन बॉन अगर मेरे पास हो और वो शॉप पर इनको नज़र आ जाए तो ये फिर पहली कॉल पर आते हैं मेरी। तो हमने ये बिहेवियर देखा, हमने कहा कमाल हो गया यार, ये इतने समझदार हैं, वाओ। तो फिर हमने ये गौर किया है कि जो मेरे अपने बच्चे हैं उनको अगर मैं कहूँ हमजा हुज़ैफ़ा यार वो ज़रा प्लीज़ पानी बुला दो, या यार वो ज़रा मेरा एक पेस्ट तो टाइप कर दो, तो अभी करते हैं बेटा, अभी करते हैं बाबा, अभी करते हैं बाबा, तो वो अभी मैच लग रहा है आखिरी ओवर, तो हमें कोई 10-12-15 दफ़ा कहना पड़ता है। तो ये मैं चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप में हम ये बिहेवियर्स देख रहे थे, तो हमें ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई है कि वाओ कि अल्लाह सुब्हानहु ताला ने इतनी समझ दी है इस जानवर के अंदर कि वो प्रोएक्टिव भी है, इनोवेटिव भी है, और वो ये जो हमारी बिल्ली साहब हैं जब छलांग लगाते हैं ना बड़ी कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी वो सारी इफेक्चुएशन थ्योरी जो मोइन साहब ने आपको पढ़ाई होगी, ये जानवर जो है ना ये इनके अंदर पहले से मौजूद है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हमने जानवरों में ये देखा। बीवर की वीडियो दिखाई है मोइन साहब इनको? नहीं, असल में नहीं दिखा सका क्योंकि ज़ाहिर है सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए थे। अगर इनको दो मिनट दिखा दो वीडियो, अगर ऐसा इजाज़त है। हाँ बिल्कुल दिखा दें प्लीज। आज इनको वीडियो अगर मेरे बच्चों को दिखा दिया जाए तो वो उससे ज़रा ये होगा कि अल्लाह ताला ने, मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसे शुरू करना है, ये अल्लाह की तरफ से हो गया। तो अब हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं 2 मिनट की, तो वो इंशाल्लाह आई होप के यू विल एंजॉय। 2.2 आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। Beavers are vegetarians. They gnaw through bark to eat the sugary layer underneath.
They've been gnawing through forests for 20 million years. Felling trees with your teeth takes great strength, skill, and patience. One technique is to slice halfway through and let the wind do the rest. The beaver's incisors are strengthened with iron, which makes them orange. They grow continuously and even self-sharpen. The pond makes it easier to move around the heavy logs they need to build their dams. Out of the water, it's a struggle. Stones help weigh down the base. The whole family works together, carefully interlocking the timber. They dredge mud from the pond bottom to seal the dam. Each pond traps several inches of sediment every year, so there's plenty of it. The young act as apprentice builders, learning the tricks of the trade. The final results are impressive. In the Rocky Mountains, beaver dams slowly filter billions of tons of water. The ponds build up soil and nutrients and help prevent floods and droughts. Glory, mashallah. Leave it to beavers. तो जनाब देखिए अल्लाह की शान देखिए मैं थोड़ा सा आप वाइट बोर्ड के ऊपर भी आते हैं तो प्यारे बच्चों आप ये देखिए जरा आप ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जनाब ये असल में मेरे पास Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge bright nexus, ये वीडियो YouTube emails that get the job done, you need to think about सॉरी वो कहीं से ना यूट्यूब दोबारा चल पड़ी आई एम सॉरी तो जनाब स्क्रीन शेयर पे तो मेरे पास कोई वोटिंग का तरीका होता ना तो प्यारे बच्चों ये समझो तीन दरिया हैं दरिया नंबर रिवर नंबर वन रिवर नंबर टू रिवर नंबर थ्री तो जनाब इसमें जनाब ये पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ठीक है समझे दिस वाटर इज कमिंग दिस वे एंड दिस अब पानी को रोकना है एक पानी को रोकने के लिए डैम बनाने का तरीका ये है आपने यहाँ पर स्ट्रेट डैम बना दिया एक पानी को रोकने का तरीका ये है आपने इस तरह कप की शक्ल में बना दिया एक तो एक कप इस तरह बना दिया ठीक है जी ये है द थ्री वेज ऑफ मेकिंग डैम तो जनाब आप आते हैं हम आपको थोड़ा माशाल्लाह देयर आर लाइक 102 पीपल तो जनाब इसमें से अब मेरे पास मुझे याद नहीं रहा अगर पहले मैं पोल बना लेता ना तो ज़रा आपकी वोटिंग करा लेते तो मैं चंद लोगों से पूछता हूँ तो जनाब अहमद अली साहब हैं जनाब आप बताएं बेटा कौन सा तरीका आप चूज़ करेंगे वन टू और थ्री अहमद अली साहब सर मे बी द सेकंड वन अच्छा अहमद अली साहब ने सेकंड वन को कहा उसके बाद आकिफ शेख साहब रैंडम पांच छह लोगों से पूछता हूँ जरा रैंडमली जो भी नजर आ जाएंगे चार अलीना अली अलीना साहब आप कौन से पे जाएंगी आप स्पीकर ऑन करके जल्दी से बता रही हैं चैट बॉक्स में लिख दें ये भी हो सकता है यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स के लिए जनाब डॉक्टर फहीम साहब आ गए हैं अब डॉक्टर शाह साहब एचडी फहीम साहब माशाल्लाह माशाल्लाह मे अल्लाह सुभान अल्लाह ब्लेस यू अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और इट मस्ट बी अ वेरी फ्रूटफुल सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम बट अच्छा लग एंड बहुत इस से सीखिंग एंड आई जस्ट वांट टू से वन वर्ड अबाउट यू सर हां जी बिल्कुल फ्रॉम माय स्टूडेंट टू माय स्टूडेंट्स सर ये
Dr. Shahid Qureshi Saab is a very big name, or mashallah, he's highly qualified or highly experienced. So, in his experience, we can get as much benefit as possible. It's a little bit of time we have. So, over to you, sir. JazakAllah. So, Janab, this chat has come. So, anybody would like to say, Janab, Ammar Barmawi Saab, Janab, tell me, which option will you go? Nafis saab, aap bata dein. Mera khayal hai. I think number 3. Number 3. Kaun bol rahe hain jinaab? Abdul Nafis. Anybody would like to prompt? So first or second, mostly dams is tarah hi bante hain. MashaAllah. Thank you ji. To isme jab hum IVA mein ya engine ji hai kahin bhi jab jaye to poochte hain to 60-70% log is tarah option 3 pe jaate hain. और लाइक 30% लोग 20% लोग यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पर 10-1% थोड़ी बहुत वेरिएशन भी हो जाती है. इसमें एमबीए के बच्चे भी हैं, एग्जेक्टिव एमबीए के भी हैं. तो ये तीन ऑप्शन हैं. तो जनाब प्यारे साथियों, हालांकि हमने फिजिक्स भी पढ़ी हुई है, हमने और पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद ये जो तरीका है ना डैम बनाने का, दिस इज़ द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक, ये तबाहकुन तरीका है डैम बनाने का, जिसको अक्सर लोग जिन्होंने ओ लेवल किया हुआ है, ए लेवल किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई, एमबीए किया हुआ है, जो मेजॉरिटी जिस जवाब की तरफ जाती है, ये जवाब जो है ख़तरनाक तरीन है और द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक. उसकी वजह ये है कि आपने ये हुआ ये है कि आपने ये प्याला बना दिया और सारा वजन जो पानी का ना आपने ऊपर ले लिया. और ये जो न्यूट्रल तरीका है ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे नहीं है, चल जाएगा. और ये ऑप्टिमल तरीका है. इसमें जो फोर्सेज है ना वाटर की, वो टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और वो पानी का जो वजन है ना वो मुख्तलिफ साइडों पे डाइवर्ट हो जाता है. तो ये जो वीवर साहब की वीडियो हमने देखी, ये वीवर साहब को इस बात का इल्म है कि मैंने डैम कैसे बनाना है. ठीक है जनाब, तो आप कह दें सुभान अल्लाह. और ये जो वीवर साहब हैं, ये दरख्त गिराते हैं. ये दरख्त है, आपके एक साथ घर बना हुआ हो और आपने ये दरख्त को गिराना हो तो आप कैसे काटेंगे? काटने के दो तरीके हैं. एक तरीका ये है कि इधर से काटूं, दूसरा तरीका ये है कि इधर से काटूं. अब मेरे पास पोल बनाना याद नहीं रहा, वरना भी पोलिंग करते. तो ऑप्शन वन या ऑप्शन टू. अच्छा, तो हमारे बहुत सारे लोग ऑप्शन वन पे भी चले जाते हैं और बहुत सारे लोग ऑप्शन टू पर भी चले जाते हैं, डिवाइड हो जाती है क्लास. हालांकि इतना ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि आप टू से काटेंगे तो दरख्त आपके घर के ऊपर गिरेगा, लेकिन ये ओ लेवल ए लेवल इंजीनियरिंग के बच्चे भी बहुत सारे इधर इधर जवाब दे देते हैं. हमारे इस वीवर साहब को ये इल्म है कि मैंने इसको जिस मर्जी की डायरेक्शन में काटना है ना, उसको कैसे काटना है. तो वीवर साहब क्या करते हैं, पहले वो अगर इधर गिराना होगा ना तो इधर भी कट लगाते हैं छोटा सा, वो टेंसाइल स्ट्रेस को तोड़ने के लिए. ये जो बाहर की स्ट्रेस है, इसको होती है टेंसाइल स्ट्रेस, इसको तोड़ने के लिए यहाँ कट लगाएंगे और फिर यहाँ से काटना शुरू करेंगे और फिर कोशिश करेंगे हवा इधर चल रही हो ताकि हवा का जोर भी हो, आधा काम करना पड़े और वो जनाब फिर यहाँ से आधा काटते हैं और दरख्त यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस टूट जाती है, यहाँ से दरख्त आधा कटता है, इधर हवा पड़ती है और धर्म से इधर गिर जाता है. उसके बाद फिर जनाब ये पीवर साहब जो हैं ये क्या करते हैं, इनको अल्लाह ताला ने दांत दिए हैं, ही हैज टू टीथ. ये जो दो दांत हैं ना इनके, ये आयरन से भरे हुए हैं. तो ये आयरन ये इनका मैं बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, अगर आई होप के बना लिया. ये बीवर साहब हैं तो इसके चले बता, इसके जो है ना पाँव, इसके जो पाँव के अंदर पंजे हैं वो स्विमिंग के काम भी आते हैं, पकड़ने के काम भी आते हैं. इनका जॉ दरख्त को पकड़ने के काम भी आता है. और ये मियाँ बीवी बच्चे चारों मिलकर करते हैं, बच्चे इंटर्नशिप करते हैं इनके साथ. और ये 4 साल में ये डैम बनाते हैं, 4 साल. और ये नदी तलाश करते हैं, एज नदी जिसकी जहाँ पर वेट कम हो उस जगह को तलाश करेंगे. एक लकड़ी, पत्थर, पत्ते, मड, इस तरह छोटा छोटा काम शुरू करेंगे एक साइड से. मियाँ बीवी बच्चे सारे लगेंगे साथ, ठीक है नहीं. और इस तरह आहिस्ता 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 करते वो कॉनकेव डैम जो करवेला डैम है उसकी शक्ल भी बना देंगे 4 साल में होता. तो इस प्रोसेस में जनाब मैं तो वो मैं कहाँ पढ़ा रहा था,
तो उन्होंने कहा कि सर ये मंगला अपना नया डैम तो हमसे नहीं बनना, बादशाह शाह साहब को बीवर ही मंगवा लो, तो 10-12 बीवर छोड़ दिए जाए, ये कुछ कर, यानी हमारे 100 बंदों की क्लास है ना ये सारी मिल जाए ना, ये डैम नहीं बना सकते, ये बीवर बना लेंगे डैम। लुक एट द पावर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, जो अल्लाह ताला ने इनको दी है। तो इसके बाद ये बीवर साहब जो हैं ये क्या करते हैं, ये जनाब बीवर साहब ये झील है ना, दे इंश्योर्ड जो झील है ये कम से कम 3 मीटर गहरी हो, क्योंकि बीवर साहब ने कार्बन फिजिक्स पढ़ रखी है और केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है थोड़ी सी, कि अगर झील इससे कम गहराई होगी तो सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ेगी तो बर्फ़ पड़ने से पानी ठंडा हो जाएगा और वो सारा नीचे तक बर्फ़ पड़ जाएगी, फ्रीज हो जाएगा। अगर 3 मीटर हो तो फिर ऐसा नहीं होगा, और फिर क्या होगा उस केस में वो ये होगा कि सिर्फ ऊपर वाली लेयर बर्फ़ बनेगी, ये वाली, और नीचे पानी रहेगा। तो बीवर क्या करता है कि बर्फ़ के दिनों में यहाँ एक सुराख कर लेते हैं और अपनी कोई चीज़ खाने पीने की चीज़ें तलाश करने नीचे आ जाते हैं और गर्मी का माहौल यहाँ भी बीच में इंजॉय करते हैं। और उसके बाद अगली चीज़ जो बीवर साहब हैं, ये कलर चेंज सम कलर्स इफ पॉसिबल, कलर्स, तो इसके बाद जो बीवर साहब हैं वो ये क्या करते हैं कि ये डैम बन जाता है, तो डैम में ये फिर ये झील है, इसमें ये घर बनाते हैं, ये झील है इसमें ये घर बनाते हैं, इनके जो घर हैं ये पानी है, इनके जो घर हैं वो आधे पानी में डूबे होते हैं आधे बाहर निकले होते हैं, ये एक बीवर घर है। और अक्सर इन घरों में एक ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट फ्लोर होता है, ये इनका फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर है और ये इनका ग्राउंड फ्लोर है, ये इनका लिविंग रूम है, इनका बेडरूम है। इस लिविंग रूम में जो एंट्री है वो एक टनल के जरिए होती है जो ऐसे बनी होती है। तो बीवर साहब जो है स्विम करते आते हैं और ये डाइव करके अंदर से आते हैं और यहाँ से इमर्ज होता है। तो यहाँ पर बीवर साहब रहते हैं, इनकी वाइफ या इनकी फैमिली बनती है, बच्चे ग्रो करते हैं और ये बेडरूम है इनका। तो यू कैन सी 2 आवर्स डिटेल वीडियो कि जनाब इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बना हुआ है इस कायनात के खालिक ने। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये झील है, ये मैं झील का जरा दूसरा बड़ा मंजर बना देता हूँ, इस झील के अंदर भी छोटे छोटे घर बनते हैं, फिर आबादी होती है, ये DHA बनना शुरू हो गया, यानी ये DHA बन रहा है या गुलशन इकबाल बनना शुरू हो गया। तो जब इसमें मुख्तलिफ घर हैं, इको सिस्टम है, ये फैमिली ए बी फैमिलीज रह रही हैं, और ये जो झील है इसका फ़ायदा किसको हो रहा है, इसका फ़ायदा दूसरे जानवरों को हो रहा है, पानी के रिजर्वायर बन गया, मछलियों को, जानवरों को पानी पीने को, इसका फ़ायदा है बीवर को हो रहा है। ये है वेजिटेरियन लेकिन ये अपने आप को डिफेंसिव मैकेनिज्म बाहिफाजत रहता है, अपने बच्चों को दुश्मनों से बचा लेता है। और तीसरा फ़ायदा इंसानों को, ये इंसानों के लिए रहमत बन जाता है, पानी स्टोर हो जाता है और ये एग्रीकल्चर के लिए और इंसानों के फ़ायदे में रहता है, इको सिस्टम बन जाता है। तो जब आबादी बढ़ जाती है फिर क्या करते हैं जनाब, तो जनाब बीवर और बीवरनी ये अपने बच्चों की जनाब शादियां करते हैं माशाल्लाह, जोड़ा बनाते हैं, उनसे कहते हैं इन फिरू खिफाफों व सिखाला कि जनाब जाओ अपनी दुनिया पैदा करो, और ये जो यह बीवी हैं ये फिर निकलते हैं और जनाब ग्रेजुएशन हो चुकी है इनकी, अब DHA सुफा से इनकी शादियाँ हो जाएंगी और ये अपनी दुनिया आप पैदा करेंगे। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, तो अल्लामा इकबाल शेर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, थोड़ी सी उर्दू में लिख देता हूँ, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, तो अल्लामा इकबाल कहते थे कि अगर तुम जिंदा हो ना, अगर तो तुम हो अलाइव जिंदा, तो फिर तुम करो अपनी दुनिया आप पैदा। तो ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे हमें डॉक्टर इकबाल, एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो हैं ये तो मुंह देखते रह जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ ख़त्म होती है ना वहाँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का काम शुरू होता है, जहाँ अल्लामा इकबाल का काम शुरू ख़त्म होता है वहाँ फिर और कुछ आपको बताएंगे। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में, अगर इफ़ यू आर अलाइव, तो ये CV लेकर मिन मिन रिन रिन
और मारे गए लुटे गए सर, नौकरी नहीं मिल रही सर, दाखला दे दें सर, एडमिशन हो गए सर, नौकरी जॉब, ये कहते हैं यार यू आर नॉट अलाइव, यू आर डेड पर्सन। अगर तुम अपनी दुनिया आप नहीं बना सकते ना तो यू आर डेड पर्सन। अल्लामा इकबाल कहते हैं गुजर औकात कर लेता है, गुजर औकात कर लेता है ये कोहो बयावा में। ये शाहीन को कह रहे हैं, ईगल को, ईगल को क्या कह रहे हैं, कह रहे ईगल बनो है बच्चो, ईगल बनो। ईगल क्या करता है, गुजर औकात कर लेता है ये कोहो बयावा में। ईगल जो है ना ये गुलशन इकबाल में, नाजमाबाद में, डीएचए में, अल्लाह ताला आपको घर भी दे वो भी इजाजत है, लेकिन ये ईगल जो है ना ये बड़े बड़े कंफर्टेबल घरों को और एक एक नाल घर बनाकर इसमें रहने का मजा नहीं इसको आता। गुजर औकात कर लेता है ये कोह, कहते हैं माउंटेन्स, ये तो बियाबानों और डेजर्ट्स के अंदर रहता है, उसमें गुजर औकात कर लेता है। जिल्लत है शाही के लिए पारे आशियां बंदी। ईगल के लिए इस तरह के बड़े बड़े महल बनाकर रहना, वक्त जाया करना, लेजीनेस और कंफर्ट जोन में रहना, ये इसकी शान के खिलाफ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी आप अंदाजा लगाएं कि वी आर लर्निंग फ्रॉम एनिमल्स। वाओ, आज का गेस्ट स्पीकर शायद कुरैशी नहीं है, आज का गेस्ट स्पीकर तो बीवर है, आज का गेस्ट बिल्ली है नेमती और हमारा शुक्री साहब है, यानी आज का गेस्ट स्पीकर तो शहद की मक्खी है, कैमल है। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, हैव यू नॉट सीन द कैमल, अरे हैव यू नॉट सीन द कैमल, अरे कैमल को नहीं देखा आपने कि इसकी जो कुहान है क्या बात है। अरे कैमल की कुछ बन गया थोड़ा बहुत, तो ये कैमल साहब जो है इनकी आंखों को देखो, इनकी कुहान को देखो, उनके चलने, ये फोर व्हील ड्राइव फंस जाती है बच्चों। ये माशाल्लाह हमारे आरिफुल्ला सानी साहब रिटायर्ड वाइस एडमिरल एडमिरल हैं, तो ये हमें ले गए एक एडवेंचर ट्रिप पे और माड़ा की तरफ, तो फोर व्हील ड्राइव फंस गई जनाब हमारी, और ऐसी फंसी कि जनाब वो नहीं निकल सकी डेजर्ट के अंदर, वो जनाब टायरों में से हवा निकाली गई फिर भी नहीं निकल सकी, बहुत बहुत मुश्किल से एक निकली, दो निकली, और फिर 70-80 बंदों ने एक गाड़ी को 40-50 में सॉरी एक गाड़ी को धक्का लगाया फिर एक निकली, और कुछ गाड़ियां फंस गई ट्रक मंगवाने पड़ गए। तो ये कैमल साहब जो है अल्लाह ताला ने वैसे थोड़ा कहा है, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, Have you not seen the camel? When you see the camel, then you must appreciate me. तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी दुनिया आप पैदा करने का जो मैसेज है कि अपनी दुनिया खुद क्रिएट करो, इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब नहीं करेंगे, हम जॉब भी करेंगे इंशाल्लाह, उसकी तरफ भी हम आते हैं, हमारे पास अभी टाइम है इंशाल्लाह। तो आज का जो मौजू ये होगा कि हम ये जो मैंने आपसे जो अर्ज किया था कि मेरी जो कहानी शुरू हुई थी एज एन इंजीनियर, इंजीनियर हम चले थे और उसके बाद चलते चलते फिर हमने कहा कि हम एमएससी इंजीनियरिंग कर लें, मास्टर्स कर लिया, और फिर मैंने तकरीबन कोई 12 साल बिजली बनाने का काम किया है पावर जनरेशन में, गैस टर्बाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जनाब हमें इस प्रोसेस में बहुत बुरा नहीं है, आई एंजॉय इट, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस प्रोसेस में जो पिछले 100 साल से दुनिया में चला आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली एजुकेशन सिस्टम जो है ये बेसिकली पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, यानी सनती इंकलाब के बाद का ज़माना। इसमें ऐसे लोग चाहिए थे जो हुक्म के ग़ुलाम हों, ऐसे लोग चाहिए जो यस मैन हों, ऐसे लोग चाहिए जो सोचें मत, ऐसे लोग चाहिए जो एक तरह के हों, ऐसे लोग चाहिए जो स्टैंडर्डाइज काम कर सकें, जिनको तो उस तरह के लोगों को बनाने के लिए, क्योंकि जब गाड़ियां बननी शुरू हो गई ना, फोर्ड गाड़ियां बननी शुरू हो गई, अब 100,000 गाड़ियां बनेंगी एक ही तरह की, एक ही रंग की, एक ही डिज़ाइन की, तो एक ही तरह के लोग चाहिए ना, एक ही सोच, एक ही सांचा, एक ही, तो इस तरह फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, बिजनेस स्कूल्स को यह कहा गया कि इस तरह के स्टैंडर्डाइज लोगों को बनाने में हमारे लिए हेल्प कर दें, हमारा करिकुलम डिज़ाइन करें, हमारे लिए कोर्स डिज़ाइन करें। तो जिस तरह गाड़ियों का कारखाना लगा और जिस तरह शुगर का कारखाना लगा, इसी तरह बंदों को पढ़ाने के कारखाने लग गए। तो बंदों को जैसे गाड़ियाँ एक तरह की बनती हैं, ऐसे ही बंदे भी एक तरह के बनने शुरू हो गए, और वो जो है वो ये बनते चले गए, 100 साल से बनते चले गए। ये तो 80s भी गुजर गया, 90s का ज़माना आया,
तो उस वक्त हल्का सा फील हुआ कि जॉब्स कम हो गई हैं। जब 2000 का जमाना आया तो फिर हल्का सा झटका लगा कि जॉब्स बहुत कम हो गई हैं। और जनाब फिर जब 2010 का जमाना आया तो पता चला कि ये तो तेजी के साथ जॉब्स कम हो गई हैं। और 2020 तक पहुंचते पहुंचते इस वक्त पाकिस्तान की जो लीडिंग कंपनीज हैं, लीडिंग कंपनीज हैं PSO, वो कहती है हम तो अब रखते नहीं लोगों को, रेलवे वाले भी नहीं रखते, ABIA वाले भी नहीं रख रहे, स्टील मिल वाले भी नहीं रखते, इरीगेशन वाले भी नहीं रख रहे, और जितने भी डिपार्टमेंट्स आप PTCL वाले भी नहीं रख रहे, तो ये फिर जाएंगे कहाँ हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स और ये MBA जी कहाँ जाएंगे? ये जो बाकी कारखाने हैं वो तो इस कारखाने के लोगों को तो ले नहीं रहे। तो ये 2010 के बाद तो ये हम ये कहते हैं कैरियर्स, ये कहते हैं कैरियर्स कैरियर कहते हैं उस चीज़ को, एक ऐसी डिग्री जिसको मिलने के बाद आपको जॉब मिले और जॉब भी आम सी ना हो, ऐसी जॉब जिसमें पेंशन हो, ग्रेचुटी हो, जिसमें हाउस अलाउंस हो, गाड़ी हो, लैपटॉप मिल जाए और सर्वेंट भी मिल जाए, और जब आप रिटायर हों तो 2-3 करोड़ घर आपके पास हो, इसको कहते हैं कैरियर जॉब। ये 1995 तक ये मौजूद थी, उसके बाद तेज़ी से कम होना शुरू हो गई, तेज़ी से कम हुई हैं, और इस वक्त बहुत कम जगहों पर कैरियर ऑफर हो रहा है, यानी 80-90% कैरियर ख़त्म हो चुका है। तो हुआ क्या, अच्छा कैरियर में और क्या होता था, कैरियर के अंदर पैसे, दौलत, पोजीशन, घर, रिश्ते, अच्छे रिश्ते आते हैं। हाँ जी, अगर आप डिग्री लेंगे NED की, दाऊद की, BHA की, उस ज़माने में 90s में अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट ए गुड मैरिज प्रपोजल, यू कैन फाइंड ए गुड स्पाउस, और दुबई में भी जॉब मिल जाएगी। तो कैरियर ये सेल करता है। उसके बाद जब अगला एरिया है उसको हम कहते हैं जॉब्स। ये 2000 के बाद एक नई डायमेंशन सामने आई, ये जॉब नौकरी नहीं, इसका मतलब है ऐसा काम जो आप अपनी मर्जी से कर सकें, इसको जॉब्स यानी कॉन्ट्रैक्ट जॉब। यानी तो 2000 के बाद कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई। PSO ने कहा कि यार हम कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, लाइबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कैरियर में रखें, फुल टाइम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लंपसम सैलरी मिलेगी, वी डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ, आप अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखें, गाड़ी का भी इसी में से निकालें। जॉब्स का ज़माना आ गया, ये पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो अमेरिका यूरोप तक भी ये चेंज आई, कैरियर से जॉब्स भी मुंतकिल हो गए। 2010-12-15 के बाद इसको आप कहते हैं गिग। अब हम गिग के ज़माने में आ गए, गिग इकॉनमी, इसको टास्क भी कह सकते हैं, गिग इकॉनमी भी कह सकते हैं। गिग कहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, हमारे DHA सुफा के एक बच्चे को वाइब्रेशन एनालिसिस का शौक हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन कर ली, टेस्टिंग कर ली, कुछ काम कर लिया, तो अब वो उसको कोई रखने के लिए कैरियर के लिए भी तैयार नहीं है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने अपना फेसबुक पेज बनाया और अपना लिंक्डइन उसने पोस्ट बनाई और उसने कहा कि जनाब आपकी मशीनरी में जब भी कोई वाइब्रेशन एनालिसिस का मसला होगा तो आई एम अवेलेबल। तो कभी किसी दिन जॉब मिलती है, कभी कहीं मिलती है, कभी कहीं मिलती है, तो वो रोज़ाना की बेसिस पे अपने आप को अपडेट करते हैं एंड ही फाइंड जॉब्स, इसको कहते हैं गिग इकॉनमी। तो मेरे प्यारे बच्चों 2010 के बाद हम मूव कर गए गिग इकॉनमी के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चेंज दुनिया के अंदर आई, और 2010 का ये जो कोरोना आया है इसने तो इसको कहते हैं डिसरप्टिव, इसने तो डिसरप्शन का काम कर दिया है, और अब जो है हमें वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए ग्रेट डिसरप्शन। कि अब जो है ना, पहले लोग मजाक कर रहे थे, ये हमारी बात मानते नहीं थे, हालांकि 6-7 साल से हम ये बात कह रहे हैं CED के प्लेटफॉर्म से, हम IBA कराची वालों को भी ये कह रहे हैं, अपने अपनी फैकल्टी को भी ये कह रहे थे, अपने स्टूडेंट्स को भी ये कह रहे थे कि मेरे प्यारे अजीजो अपने आप को गिग इकॉनमी के लिए तैयार करो, गिग इकॉनमी के लिए तैयार कर लो, और ग्रेड्स और सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज लो, रिश्ते भी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब डिग्रियों पर रिश्ते नहीं आएंगे, आप स्किल की बेस पर आएंगे और आपकी क्रिएटिविटी पर आएंगे, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट पर आएंगे रिश्ते इंशाल्लाह। तो आप रिश्तों के चक्कर से बाहर निकलें और गिग इकॉनमी और एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, हाँ जी, वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या है, मुझे तड़पने फड़कने की तौफीक दे, यानी मुझे लीन होना है, मुझे ग्रेट लर्नर बनना है,
मुझे सीखने वाला बनना है, मुझे फ्लेक्सिबल बनना है, मुझे हम्बल बनना है, तो वो आदमी कर सकता है ना ये काम। अब मेरा भाई इस वक्त आई कैन जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेरे भाई उमर कुरैशी साहब हैं, शिकागो में हैं, मास्टर्स किया हुआ है, दो मास्टर्स किए हुए हैं, बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड वो शिकागो पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। शिकागो पब्लिक स्कूल कहता है कि भाई अब बिग इकॉनमी का ज़माना है, हमारी सिटी के पास भी रिसोर्सेज नहीं है पब्लिक कॉर्पोरेशन के पास, तो हम ये करेंगे कि गर्मियों की छुट्टियों में तनख्वाह नहीं देंगे आपको, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लिविंग। तो अब क्या किया उन्होंने, मेरे भाई को ऑटोमोटिव रिपेयर का काम आता है, उसको ऊबर चलानी आती है, उसको एग्रीकल्चर प्लांटेशन का काम आता है, उसको होटल मैनेजमेंट का काम आता है, हाँ जी उसको जनाब ये ट्यूशन और हैंडीकैप बच्चों को स्पेशल तरीके से पढ़ाने का काम आता है, पांच काम आते हैं। इसको कहते हैं गिग इकोनॉमी, कि जनाब एवरी मैन एंड वुमन शैल बी इक्विप्ड विद फोर फाइव स्किल्स विच आर कमिंग आउट ऑफ हिज हॉबी एंड पैशन। और सारी डिग्री भी लो, अल्लाह ताला आईबीए डीएचए सुफा को भी ये बात रखे, अल्लाह ताला इनको भी इनके भी माशाल्लाह सिलसिले चलते रहे, डिग्रियां भी हम लेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मगानी इमरान हमारे मोइन लतीफ साहब को भी अल्लाह ताला बात रखे। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि डिग्री लेते हुए और सिलबटों में और चार, और टीचर्स को हम ये कहेंगे कि वो जब चार साल पढ़ाते हैं तो चार साल पढ़ाते हुए वो क्या करें, वो तीन काम करें। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, वो क्या काम करें हमारे यूनिवर्सिटीज वाले और आईबीए को भी हम ये कह रहे हैं, और ये सबका मसला बना हुआ है, ये लम्स का भी मसला है, आईबीए का भी मसला है, जीकी का भी मसला है। अब कल मेरे पास जीकी का एक बच्चा था, अब वो जनाब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और वो 3 मिलियन खर्च हुए हैं उसको, तो मैं डिप्रेशन नहीं फैलाना चाह रहा आप लोगों को, मैं तो होप सेल करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 मिलियन खर्च करने के बाद अब वो बच्चा कह रहा है कि सर हम क्या करें, सर 20-25 से ज़्यादा जॉब नहीं मिल रही, तो सर मैं एमबीए कर लूँ, मैं आईबीए आ जाऊँ एमबीए कर लूँ। तो मैंने कहा कि यार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह के बंदे अगर 3 मिलियन खर्च करने के बाद, 3 मिलियन खर्च करने के बाद अगर 20,000 की जॉब नहीं मिल रही तो फिर 10 लाख और खर्च कर दोगे तो फिर तुम्हें, तुम 3 मिलियन से रिटर्न नहीं ले सकते, तुम 3 मिलियन से रिटर्न नहीं ले सकते तो 4 मिलियन से कहाँ लोगे फिर रिटर्न। तो जनाब दिस इज़ ए वेरी बिग क्वेश्चन। तो आप में से कोई मेमन कम्युनिटी के लोग हैं जी हमारी क्लास में, जनाब हैंड रेज कर दें, हैंड रेज करने का तरीका होता है, मेमन मेरे दिल के बहुत करीब हैं और शर्मा रहे हैं लोग लगता है, तो बहरहाल मेमन का जो मतलब है वो आपको, अगर मैं मेमन का मतलब होता है, लिखने में टाइम लग जाएगा, मेमन का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग, मेमन ठीक है नी, मेमन मेकिंग enough money out of nothing। हाँ जी जनाब, तो अब जीके वाले लम्बे वाले आईबी वाले तो फंस जाएंगे यहाँ पे। हाँ जी, अगर मैं ये कहूँ ये जितनी महंगी यूनिवर्सिटी होगी ना, तो सर मोहन साहब आप नाराज तो नहीं हो रहे, सर खुली बातें हो रही थोड़ी सी, जरा नहीं नहीं बहुत अच्छी बात अगर जीकी के बंदे को दूं और लम्स के बंदे के दूँ, तो अगर मैं अगर एक न्यूट्रल आदमी 1000 का बना रहा हूँ ना फॉर एग्जांपल, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह लम्स का, जीकी का और हार्वर्ड का, एनसीएट का, मैं सब के नाम ले देता हूँ ताकि लोग नाराज ना हो जाए, और सर सैयद का, फास्ट का, जो जितने महंगे होगा ना, तो महंगे वाले तो इंशाल्लाह 1000 की चीज 5000 की बना के देंगे इंशाल्लाह। महंगी क्यों बनाएंगे बताएंगे? हाँ जी, वो महंगी इसलिए बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो एचआर, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, दफ्तर, गाड़ी, लैपटॉप, एडवर्टाइजमेंट, वो सारे खर्चे डाल देंगे इसके अंदर, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जी सारी कॉस्ट डाल देंगे, सारी कॉस्ट वो नहीं, कॉस्ट भी डालेंगे मोइन भाई, दूसरा वो
वो कहेंगे कि इन नखरों के बगैर काम हो ही नहीं सकता ना, नखरों के बगैर, दफ्तर के बगैर, गाड़ी के बगैर, एडवर्टाइजमेंट के बगैर, इश्तहार के बगैर, मॉडल के बगैर, माहिरा खान के बगैर और इस तरह के बगैर काम हो नहीं सकता। जब तक एड नहीं बनेगी, लाखों लोग रुपये खर्च नहीं होंगे, तो इनका जहन ऐसे काम करेगा ना, महंगे वाला जहन, जी जी, तो खर्चा भी डालेगा और इंडियंस को भी ले आएगा इश्तहारों में और पता नहीं किस किस को लाएगा, और उसके बाद फिर जाकर वो जो चीज़ जो थी ना, वो तो लाखों में हजारों में चली जाएगी। और यही काम अगर मैं मेमन से कहूँ, अगर सही मेमन हो, अब मसला ये हो गया कि मेमन भी भूल गए हैं कि हम मेमन थे, क्योंकि मेमनों ने भी अपने बच्चों को जब से भेजा है ना हाई महंगी वाली यूनिवर्सिटियों में, तो मेमन भी भूल गए हैं, क्योंकि मेमनपन पढ़ाया नहीं जा रहा। होना ये चाहिए था कि मेमनपन पढ़ाया जाता यूनिवर्सिटीज में। तो IBA सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट और उसके साथ ये माशाल्लाह हमारे मोहिन साहब हैं, और वो मैडम का नाम भूल गया, क्या नाम था, इरम साहबा, ये हमारी और इस तरह 50-60 फैकल्टी मेंबर मिलके हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि जनाब अल्लाह के बंदो, मेमन फन पढ़ाओ इलेक्ट्रिकल वालों को, मैकेनिकल वालों को, BBA वालों को, मार्केटिंग में, फाइनेंस में। और मेमन फन का मतलब क्या था, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग, उर्दू में कहते हैं हींग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा आए, कि पैसा खर्च ना हो और काम हो जाए। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये जो कैफियत है, ये बकौल इशफाक अहमद साहब के, ये चीज़ किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जा रही, ये चीज़ तो बस बाबों के डेरों से मिलती है। इशफाक साहब कहते हैं ये बाबों के डेरों से मिलती है। तो यहाँ पर वैसे आप माशाल्लाह बाबे आ गए हैं कुछ, मोइन साहब की शक्ल में और इन्हें मबासी की शक्ल में बाबे बाबी आ गए हैं, क्या ख्याल है मोइन साहब? जी बिल्कुल, डॉक्टर फहीम साहब हैं माशाल्लाह, पूरी फैकल्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बाबे हमारे जनाब। तो बाबों की शक्ल में, बाबा मीन्स एडवाइस पर्सन, तो उनकी शक्ल में अल्लाह ताला ने करम किया, पिछले 5-6-7 सालों से हर यूनिवर्सिटी में ये बात शुरू हो रही है और हो चुकी है। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि जनाब यही मेमन जो है ना, यही चीज़ हो सकता है 10 रुपये की बना दे, 50 की बना दे, हो सकता है मुफ्त बना दे। अब आपको कहानी सुना देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर वापस आएंगे। ये बहादुराबाद की चुरंगी है, वहाँ पर उसके पास एक मदरसा है, तो वहाँ पे एक उनके जो ओनर हैं, मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने मुझे एक दफ़ा रब्ता किया, कहने के शाहिद भाई आप यूनिवर्सिटी में लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, तो हमारे मदरसों के बच्चे हैं ये इसी तरह ही सारी ज़िंदगी 10,000 रुपये पर रहेंगे, इनके लिए नहीं आप कुछ कर सकते? तो मैंने कहा जी आप सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे के गेस्ट स्पीकर सेशन की दावत दी, तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो बहादुराबाद के, वहाँ पर हमने एक फाउंडेशन भी है वहाँ पर, जो आलमगीर फाउंडेशन के सामने एक जगह है जहाँ पर उन्होंने सेटअप बनाया है, तो वहाँ पर हमने 2 घंटे का सेशन हुआ, जैसे ये हो रहा है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, और अल्लाह ताला ने अगर बीवर को और अल्लाह ताला ने अगर शहद की मक्खी को कुछ ख़ास चीज़ें दी हैं, तो मुझे तो अल्लाह ताला ने बेस्ट कहा है, अशरफुल मखलूकात कहा है, तो फिर मेरे पास भी तो कुछ होगा। तो हमने देखा नहीं है एक्चुअली, हमने गौर नहीं किया कि मेरे अंदर है क्या, और ना हमें गौर करने दिया गया है। हमारे स्कूल में जब बड़े हुए तो हमें कहा गया कि नंबर, ग्रेड्स, पोजीशन, तो हम तो पोजीशनों के चक्कर में रहे हैं शुरू से। हम तो, हमारी अम्मी तो बचपन से कहती थी बेटा इंजीनियर बनना है, क्यों? क्योंकि जो इंजीनियर बनता है, हमारे मामू सिविल इंजीनियर थे, उनको दुबई में जॉब मिली, बहुत अच्छी तनख्वाह थी, अच्छा घर बन गया, अच्छे रिश्ते आ गए। तो हर माँ की जहन की जो इक्वेशन है ना, वो ये है कि कामयाबी इज़ ए फंक्शन ऑफ गुड ग्रेड्स इन FSC, एंटरिंग इनटू मेडिकल और इंजीनियरिंग, कॉमा एंड गेटिंग ए गुड जॉब एंड देन गुड रिश्ते एंड ए बिग हाउस इन DHA, ये डेफिनेशन है कामयाबी। तो अब हमें भी यही था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये देखने का मौका ही नहीं दिया गया कि मैं, अब देखो ना, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था ही नहीं, धक्के से मैंने इंजीनियरिंग की, धक्के से MSc इंजीनियरिंग की, और 12 साल काम भी करते रहे, और 37 साल की उम्र में पता चला कि मैं तो इंजीनियर था ही नहीं यार, ओहो। हाँ जी, तो शायर कहता है, शायर कहता है जब मैं लौट कर आऊँ कभी, तो मुझे कुछ कहना नहीं, जिन्हें मंजिलों पर खबर हुई कि रास्ता कोई और, कि ये मैं हूँ
फॉर एग्जाम्पल कि मैं चला तो था यहाँ पे, मैंने जाना था लाहौर, जाना तो लाहौर था, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर जो साइन था ना, वहाँ पर साइन को ऐसा लगा हुआ था तो गालबन हवा चली गई, क्या हुआ वो साइन जो है ना लाहौर का वो इस तरह हो गया और वो मैंने कट ले लिया और मैं क्वेटा पहुँच गया और 60 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए, बूढ़ा हो गया। और जब मैंने देखा कि मैं क्वेटा के करीब पहुँच रहा हूँ तो मैंने कहा हो यहाँ तो मैंने आना ही नहीं था। तो अब शेर सुने, जब मैं अब फिर मैंने कहा हो आई हैव टू गो बैक, तो शायर कहता है कि वापसी का सफर करने लगा है बंदा, तो वो ये कहता है रोते हुए, जब मैं लौट कर आऊँ कभी तो कुछ कहना नहीं, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि रास्ता कोई और था। तो हमारा जो सिस्टम था एजुकेशन का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, वो इंजीनियर बनाना चाहता था, डॉक्टर बनाना चाहता था, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहता था, और हमने इसको मान लिया और हमने इसको फॉलो कर लिया और हमें पता ही नहीं था कि मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, मेरी सलाहियतें, मेमोरी, मेरी ड्राइंग, डिजाइनिंग। तो ये बात जब हमने उस मदरसे में की तो उस सेशन के बाद वो लड़का मेरे पास आ गया और उसने कहा कि सर ये जो आपने बातें की हैं तो मेरे अंदर, तो मैंने आपने गौर किया है चंद दिनों से, तो मेरे अंदर तो बहुत खूबियाँ हैं जो मैंने कभी देखी नहीं। मैंने क्या क्या, उसने कहा मैं डिज़ाइनर हूँ, मुझे डिज़ाइन, मुझे अच्छे कपड़ों का शौक़ है, मैं तो अपने कपड़े चुन चुन कर सिलवाता हूँ, डिज़ाइन बनवाता हूँ। नंबर वन, मैं क्लास 10 पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद 6 साल दरस निज़ामी किया है और मेरा तल्लुकात नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरे जानने वाले, मैं खुश अखलाक हूँ, अखलाक सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, मैं महल्ले में लोगों के बहुत काम आता हूँ और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, मेरी अम्मी अबू से भी तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मैं फरमाबरदार और ओबीडियंट बेटा हूँ, दे ट्रस्ट मी। और सर मेरे महल्ले में मैंने गौर किया तो सर मुझे आइडिया आ गया, इसकी बेस पर जब मैंने गौर किया तो आइडिया मुझे ये आया कि मेरा जो शौक है वो कपड़े पहनना, डिज़ाइन करना है, और मेरे महल्ले में एक आदमी है जो बिजनेस करता है कपड़ों का और वो कपड़े मलेशिया से लाकर बेचता है, तो आई कैन गेट चीप क्लॉथ्स फॉर हिम। और मेरा जो दर्जी है ना, जो मेरा दर्जी है वो भी मेरा वाकिफ है। तो अगर सर, इसको हम कहते हैं बर्ड इन हैंड, तो उस अदनान ने ये कहा, अदनान लड़का, अदनान इमरान साहब, अगर अदनान को ऑनलाइन ले लें तो अच्छा होगा यार, इमरान मोहम्मद साहब उसको लिंक भेज कर उसको ऑनलाइन ही ले लें। इमरान अपना जी जी बोले, इमरान इसको अदनान को ऑनलाइन ले लें, उसको गेस्ट स्पीकर बना मैं लेता हूँ, उसको ऑनलाइन लेता हूँ, जब तक आप कैरी ऑन करें इंशाल्लाह। अच्छा प्यारे भाइयों, अब क्या हुआ, अच्छा अच्छा मैं बता दूं, हमारे जो बच्चे हैं इंजीनियर्स के, जो मेरी क्लास के हैं, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं और इनके अंदर ही बहुत मतलब स्ट्रेंथ है, और जैसे कि आपने भी मुझे बताया और मैंने भी पढ़ा कि 700 कॉम्पिटेंसीज होती है हर इंसान के अंदर, लेकिन अच्छा। बस उसको जगाने की और उसको एनर्जाइज करने की जरूरत होती है। एनी हाउ ठीक है माशाल्लाह, मेरा ख्याल है सर आप 700 का शर्त टूट गई है, अब वो इनफाइनाइट हो गई है एक्चुअली, वो पता ही नहीं हमें, ये या यू कह लें कि 700 का पता चला है, हमें बाकी तलाश करनी है, ये कह लें तो माशाल्लाह। तो सर खूबियाँ बहुत ज़्यादा है, वो हमें पता नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बच्चों एंड माय कलीग्स, तो हुआ ये कि अदनान साहब ने एक सूट, चार अदद सूटों का कपड़े खरीदे, शलवार कमीज सिलाए, उसमें अदनान तारिक का नाम लिख दिया ब्रांड, और उसके बाद उसने जनाब जितने के बने थे ना उतने ही अपने चार दोस्तों को उसी कॉस्ट पर बेच दिए। और उसके बाद पिछले रमज़ान में उसने तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए के शलवार कमीज बेच दिए। अल्लाहु अकबर। अब इस बच्चे ने ना कोई मार्केटिंग का कोर्स लिया है, ना कोई फाइनेंस का कोर्स लिया है, ना कोई स्ट्रेटजी का कोर्स लिया है। तो जनाब अब बताइए, ये बीवर पन, मेमन पन जब निकल कर आता है, अरे हाँ जी, खुद ही में डूब कर अज़म और हिम्मत वालों ने, जब आदमी को पता चल जाता है ना कि मैं क्या हूँ,
तो वो हम डिग्रियों के चीजों के कैदी नहीं है, डिग्रियां भी लेंगे चीजों को पॉलिश करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए, बड़ों की सोबत लेने के लिए, लेकिन लुक एट द पावर। तो वो जनाब मुझे 2-3 महीने के बाद मुझे मिलने आया और कहने लगा कि सर डॉक्टर साहब आपने टोपी पहनी हुई है ये बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? मैंने कहा यार J.Dot से खरीदी है। कहने लगा सर ये टोपी देखकर ना मुझे एक और आइडिया आ गया। मैंने कहा क्या? कहने लगा सर वो कपड़ों की कतरने बची हुई हैं तो मैं टोपियाँ बनाना का ख्याल आ गया है कि वो कतरने ज़ाया हो जाएंगी ना सर, तो मैं दर्जी के पास जाता हूँ। वो मुझे चंद दिनों के बाद सैंपल लेकर आ गया और वो खूबसूरत टोपियाँ मुझे भी गिफ्ट दी और उसने वो बेचने की कोशिश की और वो कामयाब ज़्यादा नहीं हुआ। तो उसने कहा कि सर एक दिन हमारे घर में एक दूर की रिश्तेदार आई और उन्होंने मेरी टोपियाँ देखी और कहने लगी बेटा ये किसके लिए बना रहे हो? मैंने कहा आंटी बेचना चाह रहा हूँ, बिक नहीं रही। कहने लगी बेटा मेरे बेटे ने मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम के बाहर एक दुकान खोली है परफ्यूम्स की चीज़ों की, तो मुझसे रब्ता करो। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया और मैंने टोपियों की तस्वीरें भेजी। उसका थोड़ी देर बाद जवाब आया कि अच्छी लग रही हैं, आप मुझे सैंपल भेजें। आप बताओ बच्चों, अगर आप लम्स के हैं, आई बी के हैं, सर सैद के हैं, डी एच ए हैं, जी की के हैं, आप क्या करेंगे? क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं जवाब दे देता हूँ। तो जितना महंगा स्कूल होगा ना, वो ये कहेंगे कि जनाब स्ट्रेटेजी बनाओ, पैकिंग करो, कोरियर के जरिए भेजो। जो मेमन होगा ना, वो क्या कहेगा? मेमन कहेगा कि जनाब पैसा एक ना खर्च हो। अच्छा मेमन जो है ना, वो ये कंजूसी की अलामत नहीं है, इसको कंजूसी ना समझें, इसको कहेंगे किफ़ायत शारी और क्रिएटिविटी, और ख़ुदगर्जी भी नहीं कहेंगे। क्योंकि वो नीयत अगर आदमी ये कर ले कि मैं खिदमत वाला हूँ, तो जनाब वो हमारे अदनान साहब ने देखा कि उनके कुछ दोस्त हैं मोहल्ले में, वो तो हज करने उम्रा करने जा रहे हैं, तो उनको कहा कि प्यारे भाई ये मेरी 10 टोपियाँ भी ले जाएँ। तो 10 टोपियाँ मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा पहुँच गईं और वो उनको देख कर उनको पसंद आ गई, डील तय हो गई और वो 20 रियाल 40 रियालों में तय हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अदनान साहब जिन्होंने बीबीए नहीं किया, वो 50,000 रुपये का माल हर हफ्ते बेचते हैं, महीने का 2 लाख। उसके बाद इन्होंने जब देखा कि अब यार वाकई मुझे और सीखना चाहिए, तो फिर उन्होंने हमारे आईबीए का हमारा एक प्रोग्राम होता है 4 महीने का, तो उसमें दाखिला ले लिया। जो मईन साहब आपको कोर्स पढ़ा रहे हैं ना, यही वाली चीज़, या इरम अब्बासी साहब जो आपको पढ़ा रही हैं वो वाला इफेक्चुएशन थ्योरी का जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, वो उसने सीखने के लिए हमारे साथ सेशन ज्वाइन किया। तो उसमें वो सीखता रहा। एक दिन हमारे अमरीका से गेस्ट स्पीकर आए। हाँ, इससे पहले ये हुआ कि उसकी क्लास में एक लड़का था केमिकल इंजीनियर, और उसने कहा कि यार भाई केमिकल वाले भाई, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने एक ऐसा साबुन देखा है जो ट्रांसपेरेंट टिक्की है, वो खुशबू वाली है, तो यार तुम मेरे साथ रिसर्च करके बताओ ये कैसे बन सकती है। वो दोस्त बन गए। 2-4 हफ्तों में उसका प्रोसेस देखा, घर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ करवाया, और चंद 1-1.5 महीने में वो साबुन बनाने में कामयाब हो गए। 10-12 कलर का साबुन है, बहुत खूबसूरत खुशबूदार, जिस फल का साबुन है उस फल की खुशबू आती है। और उसके बाद उस दिन हमारी क्लास में आईबी में शिकागो से गेस्ट स्पीकर आए, तो उसने उनको पेश कर दिया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये 5,000 रुपये साबुन का ऑर्डर मुझसे ले लो, ये मुझे शिकागो भेज दो। तो ये शिकागो में मेरे बहुत ताल्लुकात हैं रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, और हम जनाब एक दफ़ा ये कामयाब हो गया तो मैं आपका मुस्तकिल ग्राहक बन गया। तो अभी बेटा ये कहानी देखो, ये कहानी कहाँ से चली? ये एक बच्चा है जिसने क्लास 10 पढ़ा हुआ है, जो इंग्लिश सही नहीं बोल सकता और जिसने इंजीनियरिंग नहीं की हुई है, उसने BBA MBA इंजीनियर्स को एंगेज कर लिया अपने साथ। तो अगर अदनान ये कर सकता है, तो DHA सुफा का हर बच्चे बच्ची को अदनान से 10 टाइम्स ज्यादा करने की पोटेंशियल है, 20 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, क्या ख्याल है सर? आप हमारे HD साहब और हमारे जी सर मोइन साहब, जी जी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपने दुनिया आप पैदा कर, इसको हम कहते हैं आपने दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो अब यानी इस वक्त पोजीशन ये है कि अभी इंशाल्लाह वो ऑनलाइन हो जाएंगे अदनान साहब, उनको कहेंगे आपकी टोपियाँ साबुन के साथ आ जाएँ यार, वो दिखाई दें वो साबुन। तो अब ये देखें कि यानी इतना इंपॉर्टेंट बन गया है कि एक PhD एक डायरेक्टर IBA का प्रोफेसर जो है वो एक मैट्रिक पास बच्चे को अप्रिशिएट कर रहा है, उसे मिल रहा है, उसे मशवरा भी कर रहा है। कई दफ़ा मुझे भी मशवरा करता है, प्राइसिंग का तरीका बता दो यार ज़रा, ये वाला कैसे होनी चाहिए। अब वो मुझे समझा रहा है जिसने लम्स से पढ़ा हुआ है, जिसने PhD की हुई है, पोस्टडॉक किया हुआ है। तो जनाब ये इल्म जो है ये किसी की विरासत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्लाह ताला, हाँ जी। तो इसलिए फिर आप कह देना फिर
रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, ऐ मेरे रब आपने कोई चीज बगैर फायदे के नहीं बनाई। सुभानक फकीना अजाबन नार, सब तारीफें आपकी। ऐ मेरे अल्लाह आपने कितनी अच्छी चीजें बनाई, बिल्ली को बनाया, बीवर को बनाया, ऊंट को बनाया, अदनान को बनाया, उसके दिमाग को बनाया, उसकी सोच को बनाया। क्या वैरायटी आपकी अल्लाह में जी, आप क्या काम करते हैं, क्या जबरदस्त क्रिएटर हैं, क्या शान है आपकी। तो मेरे वापस जाते हैं तो वो कहाँ गेट क्लियर, तो हम वापस आते हैं थोड़ा सा। अभी टाइम कितना दिए, अभी 30 मिनट्स, अभी टाइम है, अभी टाइम है, हमारी क्लास हो रही थी, हमें तो सिर्फ 15 ही मिनट मिले आपसे सीखने के लिए, तो आप इसको कंटिन्यू रखें प्लीज। बेटा आपकी क्लास, कोई बात जी मेरे प्यारे बेटे, और दुआ करें अल्लाह डॉक्टर साहब थोड़ा इसको 45 मिनट तक ले जाएं, क्योंकि हाफिज सही कह रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, ताकि थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अभी तो समझो वार्म अप मैच शुरू हुआ है, और अभी T20 शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, वो भी वैसे भी एक इनिंग 45 मिनट से ज्यादा होती है, तो काइंड तो बच्चों को थोड़ा सा। सर आप जैसे स्पीकर के लिए तो टेस्ट मैच होना चाहिए सर, ये तो T20 और वार्म अप मैच की बात हो रही है। आप बेटा लेट आए ना, एंट्री आपकी लेट हुई है बेटा, और हमारी क्लास चल रही थी 2:45 पे, तो क्लास खत्म हुई है। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमने 2 बजे का टाइम दिया था ना। ओ ठीक है, सॉरी सर। सर हमारे प्यारे बेटे, तो अच्छा जी हम कहाँ पहुंचे थे जनाब, हम तो मेरे प्यारे बच्चों, हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब कैरियर्स बात हुई थी, कैरियर्स की वो जो मॉडल था ना, ये मॉडल कैरियर्स बर्ड इन हैंड चल रहा था सर, बर्ड इन हैंड चल रहा था, उसके कैरियर जॉब्स, और ये लिखाई मेरी इस वक्त ना जरा मुश्किल है लिखना, तो थोड़ा सा फॉन्ट, क्योंकि वो मुझे वो मेरे प्यारे बच्चों कैरियर्स है 70s का जमाना, 80s का जमाना, 90s का जमाना, जॉब्स है 2005 तक कह ले, 2000s तक का जमाना, और ये है गिग इकोनॉमी कहते हैं इसको, गिग कहते हैं इंगेज करना, गिग है एब्रिविएशन बना दिया इन्होंने इंगेजमेंट से, कि आपने आपको जो स्किल आती है, आप कंसल्टेंट, आपको मालिक का काम आता है, आपने दो हफ्ते, हफ्ते में 2 घंटे आपने दे दिया, प्रोग्रामिंग आती है वो कर लिया आपने, ये 2010 के बाद, और कोरोना के बाद तो अब तूफान आ जाएगा। आप जो तो हमारे मेरे प्यारे बच्चों जितना भी करिकुलम दुनिया का, ये DHA सुफा की बात नहीं कर रहा, लम्स की नहीं कर रहा, IBA की नहीं कर रहा, हार्वर्ड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जितने भी कोर्सेज डिज़ाइन हुए हैं, मैनेजमेंट के हों, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, एग्रीकल्चर के हों, जितने भी दुनिया में शोबे हैं, इनके कोर्सेज और जो यूनिवर्सिटीज़ डिज़ाइन हुई हैं, इस तरह के लोग पैदा करने के लिए डिज़ाइन हुए हैं। ऐसे लोग जो कम सोचें और यस मैन हों, ऐसे लोग जो लकीर के फ़कीर हों, ऐसे लोग जो स्टैंडर्डाइज्ड हों, स्टैंडर्डाइज्ड तर्ज फिक्र के हों, और ऐसे लोग जो CV नौकरियों जॉब्स के चक्कर में हों, और ऐसे लोग जो इंग्लिश जार्गन्स और टर्मिनोलॉजी के चक्कर में फंसा दो इन्हें, और ये पैम्पर्ड हों, इनको गोल्फ क्लब की मेंबरशिप भी दे देंगे, गाड़ियाँ भी दे देंगे, दुबई के ट्रिप भी कराएंगे, और तो ये इसके लिए सारा करिकुलम तैयार हुआ है। तो अब झटका लगना शुरू हुआ, तो उसके नतीजे में यहाँ के जो लोग, यहाँ का जो है ना इस मॉडल का जो बंदा, वो सहल पसंद होगा, वो रात वो जनाब 9 to 5 मेंटेलिटी का होगा, 5 बजे कहेगा मैं साहब मैं जा रहा हूँ सर, आप जाने और आपका काम, मेरा टाइम खत्म हो गया। ओनरशिप कम होगी, टीम बिल्डिंग कम होगी, सेल्फिशनेस ज्यादा होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च का नतीजा मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जो हेनरी मिंसबर्ग और इस तरह बड़े बड़े हजरात ने की, और ये तो ये इस तरह का इंसान हम पैदा करते आ रहे थे 50, 60, 70 सालों से, 80 सालों से, और अभी भी यही चल रहा है। अभी भी जो करिकुलम है इस वक्त दुनिया में 90% 95, थोड़ी सी चेंज आनी शुरू हुई है। मोइन साहब माशाल्लाह, और इरम साहबा, और आपके HOD साहब ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, लसमान तला IBA के अंदर भी चेंज ले आए, लम्स के अंदर भी ले आए, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी वो बदल जाए, और उसको बदलना होगा। अगर ये नहीं बदलेंगे ना तो ये इनको, ये अगर ये नहीं बदलेंगे ना तो ये रह नहीं सकेंगे। लकीर के फकीर हैं। इसकी वजह ये है कि इस वक्त
अदनान साहब जैसे बंदे उठेंगे जो दो घंटे का सेशन लेंगे, दो घंटे का सेशन लेकर वो केमिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करना शुरू कर देंगे। अदनान साहब जैसे बंदे उठेंगे जो दो घंटे का सेशन यूट्यूब से ले लेंगे और छह घंटे का, दस घंटे का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। मैं वनीर कैंट में बाजार में गया तो एक टेबल पे एक आदमी बैठा हुआ था, वो ये जो फ्लोरिसेंट की ट्यूब बल्ब होते हैं ना, ये वाले जो वाइट वाले, तो इनको ठीक कर रहा था। तो कह रहा था आप पुराना बल्ब लाए मैं ठीक कर दो। तो मैंने कहा बेटा भाई आपने कहाँ से सीखा? उसने कहा यूट्यूब से सीखे सर, यूट्यूब से सीखा, ये मेरा बिजनेस है, मैं बल्ब ठीक कर देता हूँ सर। आप फ्यूज बल्ब लाए मैं ठीक कर देता हूँ, आप आधी कीमत पे थोड़े से पैसे दें, आपने खरीदा ही ना। तो जनाब हमारी स्टूडेंट है रिफ, उसका नाम है, उसका नाम भूल गया, उसने डिप्लोमा फेल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा फेल उसका नाम है। उसने कंपनी खोली हुई है रिवर्स इंजीनियरिंग की, ये सर्किट जो है ना, सर्किट बोर्ड्स को रिवर्स इंजीनियर करती है 3-4-5 लेयर्स को। कहाँ से सीखा? उसके अबू टीवी मैकेनिक है और वो उसने अबू से सीख लिया और यूट्यूब सीखा, डिप्लोमा पे इम्तहान दिया, डिप्लोमे में फेल हो गई क्योंकि हमारा रट्टा लगता था, रट्टा उसे लगता नहीं। उसने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया, अपनी कंपनी खोल ली, अब वो लैपटॉप्स को, डिजिटल सर्किट्स को ठीक करती है। तो मुझे एनईडी वालों ने गेस्ट स्पीकर बुलाया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कि सर आप आए। तो मैंने उसको कहा, सरवत को, सरवत मेरे साथ चलो, और ई उसकी कंपनी का नाम है ई कोड आई थिंक, सरवत मेरे साथ चली गई। तो वहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ने कहा कि बेटा ये हमारे भी मशीनों को कुछ है ना सर्किट बोर्ड खराब है, ये भी ठीक कर दो। उसने कहा मैं हाजिर हूँ, मैं कर देती हूँ। वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने कहा कि सर शाह साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा जी। कहेंगे सर वो हमें इनसे इंटर्नशिप ही करा दें सर, वी वॉन्ट टू डू इंटर्नशिप विद सरवत, क्योंकि ना ये जो प्रैक्टिकल काम कर रही है ये तो हमें पता ही नहीं इंजीनियरिंग। तो जनाब सरवत को जोड़िया बाजार कहाँ से आईसी सर्किट थायरिस्टर कहाँ से जी वो सप्रेसर डायोड मिलता है सब पता है, कीमत कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, जुगाड़ से कैसे काम करना है और कैसे इटली के सर्किट बोर्ड को जो इंजीनियर कहता है इसको रद्दी है इसको उसको ठीक कर देती। तो जनाब ये आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम नहीं सुधरे, अगर हम नहीं हुए तो हमें हायर करेंगे, सरवत हायर करेगी, अदनान हायर करेगा हमें। तो सरवत और अदनान ने कुछ भी नहीं किया भाई, क्या किया उन्होंने, दो घंटे ही सुने ना। तो आप जब सुनेंगे तो आप क्या करेंगे फिर, इंशाल्लाह आप अदनान प्लस बनेंगे, आप सरवत प्लस बनेंगी हमारी बेटियां, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वक्त तो जहन जो बदलने का है वो ये है कि डिग्री को आप टूल समझें, डिग्री को स्किल समझ के पढ़ें। आप जब DHS उफा रोज जाएं तो इस नीयत से जाएं कि आज मैंने फैकल्टी से नेटवर्किंग करनी है, अपनी क्लास में नेटवर्किंग करनी है, उनको जानना है, लैब्स में तवज्जो से टाइम स्पेंड करना है, कोई नेगोशिएशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, BBA वाले, बिजनेस वाले, अकाउंटिंग स्किल्स मैंने वो सीखनी है। मैं अर्ज क्या अर्ज करूँ प्यारे बच्चों, हमारी स्टूडेंट है नादिया, स्टूडेंट नहीं है मदर रैंक नादिया, नादिया साहब हमारे पास आई और वो कहने लगी कि सर मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मुझे पैसे नहीं है मेरे पास, कैन यू गिव मी अ जॉब एट IBA। मैंने कहा मैम हमारे पास तो ये क्लर्क की जॉब है छोटी सी, वो 15,000 देंगे, वो तो आपके शायान शान नहीं है, मुझे शर्म आएगी। सर प्लीज आई वुड लाइक टू ज्वाइन, तो आप मुझे मौका दे दें। तो वो फिर हमने उसको एक प्रोजेक्ट में इंगेज कर लिया। तो 2-3 महीने गुजरे तो नादिया साहिबा ने मुझे कहा कि सर ये जो आपके इंक्यूबेशन का अकाउंटिंग सिस्टम है ना ये ठीक नहीं है। मैंने कहा वो कैसे? कहेंगे सर आप एक्सेल में आप लोग डाटा एंटर करते हैं फिर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आकर वहाँ से लेता है, ये तो डाटा एंटर करने में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत टाइम लग रहा है आपका, ये तो तरीका ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आप हमें इसका बेहतर तरीका है, कहते जी नादिया BA FA किया हुआ है, BA प्राइवेट किया हुआ है। ये किसको कह रही है? लम्स ग्रेजुएट को, IBA ग्रेजुएट को, PhD को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम को कह रही है कि प्यारे साथियों आप जो काम कर रहे हैं ना ये सही नहीं है, इनएफिशिएंट है। तो हमने कहा अच्छा कोई एफिशिएंट तरीका बता दो। उसने कहा सर ये एक जिप बुक, ये सर अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है जिप बुक, ये फ्री मिलता है सर, क्लाउड बेस्ड है, ये फ्री मिलता है, इसके यूट्यूब पर इसके जो ना ट्यूटोरियल भी है सर, इसको आप देखें और ये इंस्टॉल कर लें और आपने पूरे सिस्टम भी इसके ऊपर इंस्टॉल कर दें और ये हर महीने आपको अपडेट भी करेगा, आपको मैसेज भी भेजेगा, डाटा भी रिकॉर्ड करेगा और बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बना देगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तलहा साहब जो IBA के MBA हैं, आज़ाद साहब, मैंने कहा बच्चों ट्रेनिंग लो। तो IBA ग्रेजुएट्स ट्रेनिंग किससे ले रहे हैं?
नादिया साहबा से। नादिया ने कहाँ से सीखा था? यूट्यूब से। और नादिया ने अपने अब्बू की जनरल स्टोर की दुकान पर वो अप्लाई कर दिया था, और उसके अब्बू के दोस्तों ने उसको देखकर कहा था हमारे ऊपर भी, तो चार पांच जगह अप्लाई कर चुकी थी। तो दो तीन महीने और गुजर गए तो नादिया मेरे पास आई, कहने लगी सर अगर आप मुझे मौका दें तो आई वुड लाइक टू टीच हिंदी आई बी ए बी बी ए प्रोग्राम। तो पंजाबी में मैंने कहा ताड़ा भला हो जाए। मैंने कहा वाओ यार ये तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत कैसे आ गई नादिया। वो आई बी ए और डी एच ए सुफा पी एच डी को रखते हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, मोइन साहब अमेरिका से पढ़ कर आए हैं, अमेरिकन एक्सेंट थोड़ा बहुत बोल लेते हैं मेरी तरह, वो जब तक आदमी मुंह टेढ़ा ना करे, अंग्रेजी ना बोले और वो जनाब जारगंज ना बोले तो उसको तो रखते नहीं यूनिवर्सिटियों वाले बाहर की डिग्री, तो तुम्हें कैसे रखें, तुम्हें जरूरत कैसे हुई। उसने कहा सर जरूरत की क्या बात है, तो मैं आपकी क्लास में गई थी उसमें काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे, तो वो आपने जब मेरी कहानी सुनाई उन्हें तो उनमें से एक मेहमान ने मुझसे रब्ता किया, तो सुफियान साहब हैं उनकी मिलेनियम में दुकान है, तो उन्होंने कहा कि यार मैम हमारी पूरी दुकानें हैं, हम तो उनको रिकॉर्ड ही सही नहीं मेनटेन किया हुआ, आप हमारी कंसल्टेंट बन जाएं, हम 5,000 रुपीज़ बराबर आपको देंगे, आप हमारा सारा सिस्टम जो है ना जिप बुक के ऊपर अपलोड कर। वो हमें पता चला कि वो जनाब वो नादिया साहबा कंसल्टेंट बनी हुई हैं, वो 5,000 रुपीज़ घंटे का चार्ज करती हैं, और बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बच्चों को जो 3 मिलियन खर्च करके पढ़ रहे हैं उनको तौफीक नहीं है, उनको तौफीक नहीं है ये काम कर सकें। हाँ जी वो फरेब खोरदा शाही जो पला हो कर दोसों में, वो क्या जाने राह रस्म शाहबाज। हाँ जी वो एक शाहीन था, एक ईगल था, या एक थोड़ी सी कहानी सुनानी पड़ेगी मोइन साहब सुना दूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाए। क्या वो असल में हमारे पास बहुत टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप अच्छा जस्ट कैरी ऑन प्लीज। वो जो ना वो एक मैं ड्रॉ करूं थोड़ा सा, यानी वो आई होप कि ड्रॉ हो जाए। अच्छा ये क्या डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरी जो एमएस डिपार्टमेंट है और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और सब आपका लेक्चर सुन रहे हैं, और बकायदा स्पेशली जो एचओटी हैं डॉक्टर फहीम, तो वो तो इसमें समझो फुली सपोर्ट था उनका तब से। तो इसलिए इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह, और बच्चों को बड़ा फायदा होगा और टीचर्स को भी हमको भी बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह। प्लीज कैरी ऑन जनाब। एक बेबी शेर था, एक बेबी शेर था, वो उसके अम्मी अबू का इंतकाल हो गया, और वो इंतकाल होने के बाद वो जनाब वो बता रहे यतीम हो गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। तो हुआ ये कि वहाँ से एक शीप का एक शीप का वहाँ से काफिला गुजरा, तो वहाँ पर जो शीप थी दादी अम्मा शीप दादा अबू शीप और इस तरह जो बड़े शीप थे, उन्होंने इस यतीम बच्चे को देखकर उनका दिल से आह निकली, उनको इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, उसको अपना बना लिया, इसको साथ ले आए, उसको क्या खिलाएंगे, उसको जनाब दूध पिलाएंगे, चारा खिलाएंगे, और इनकी लैंग्वेज क्या है, कौन सी जुबान बोलते हैं मोइन साहब? मैं इनकी जुबान बोलनी शुरू कर दी, तो चारा खिलाना शुरू कर दिया, घास पत्ते दूध। तो शुरू में तो बड़ी नागवारी का इजहार किया बेबी शेर ने, लेकिन डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स उसका आदि हो गया और वो भी उसी तरह की हरकतें करने लगा, तो और वो भी जनाब उसी तरह माशाल्लाह आवाज़ें निकालने लगा मैं हैं कि, और दूध का रसिया हो गया चारे का, और इस तरह ज़िंदगी गुजरने लगी। और उसने भी ये सीख लिया हर्ड मेंटालिटी कहते हैं कि जो ये थोड़ा सा मैं इधर भी जरा साफ स्क्रीन हर्ड मेंटालिटी कहते हैं कि अगर मैं मोइन साहब बहरिया टाउन जा रहे हैं तो हम सब बहरिया टाउन जाएंगे, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले रहा हूँ तो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो जो ट्रेंड होगा उसको फॉलो करेंगे, तो इसको कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। और हर्ड मेंटालिटी इतनी खतरनाक है कि एक कार्टून है इंटरनेट पर आप देखें तो इसमें शीप जो हैं बहुत सारी शीप्स हैं और वो इस दरवाजे से गुजरना चाह रही हैं, वो इधर आना चाह रही हैं। अच्छा शीप यहाँ भी है, इस जगह पर भी शीप है और इस जगह पर भी शीप है, शीप्स की एक लंबी बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन वो सारी इधर से गुजर के आना चाह रही हैं।
ये शीप है इसकी, ये इधर से क्यों नहीं आ रही, ये इधर जा सकती थी, ये इधर से आ सकती थी, तो रास्ता खुला था। वो ऐसे अंधा हुआ बंदा, ऐसे अंधी हुई शीप हर्ड मेंटालिटी के चक्कर में, फॉलो करने को चक्कर में, कि वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी इनोवेशन उनको नजर ही नहीं आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हुआ ये कि ये जहन इस बेटी का बन गया, था वो शेर, तो हुआ ये कि एक दिन वहां पे असली शेर बनाना पड़ेगा। एक असली शेर जो है ना जी, बड़े वाले, एक बड़े शेर का गुजर हो गया वहां से। वो बड़े शेर ने देखा, उसने कहा वो ये तो हमारी बिरादरी का आदमी, ये तो मेहमान है, ये तो हमारे फॉलोअर, ये तो हमारे वाला भाई, ये इधर क्या कर रहा है। उसने कहा बेटा बात सुनो, उसके जी। उसने कहा बेटा आप शेर हो? उसने कहा नहीं सर, मैं तो शीप हूँ। उसने कहा तुम शेर हो? ये कहा मैं शीप हूँ, मेरी आवाज सुन ले सर, मैं। वो जनाब शेर साहब परेशान हो गए, यार बरादरी हमारी, शक्ल सूरत हमारी, ये कहाँ पर। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने वो शेर पढ़ा था, वो फरेब खुर्दा शाही धोखे में आया हुआ ईगल, जो पला हो करगसों में, करगस कहते हैं वल्चर्स, जो वल्चर्स के साथ पड़ा पला था, बड़ा हुआ था, और उनकी आदतें अख्तियार कर ली। वल्चर्स क्या करते हैं, हर आराम है, 12 बजे उठते हैं दोपहर को, रात की शादियाँ अटेंड करते हैं। वल्चर्स क्या करते हैं, ये अजरा मुदाकर करें कि हकीम सईद साहब कहते, वल्चर माइंड सेट क्या है, कि हर आराम मीन्स के दूसरों का मरा हुआ खाना, और सुस्ती, लेजीनेस, बदबूदार, मोटा जिसम, ये निशानी है कारगस की। तो इकबाल कहते हैं वो फरेब खोरदा शाही जो पला हो करगसों में, तो क्या जाने राह रस्म शाहबाजी, उसको क्या पता ईगल कैसे काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शेर बड़ा परेशान हुआ, उससे दोस्ती लगाई, शाम को दरिया के किनारे ले गए, वहाँ पर उसको अक्स दिखाया, वो अक्स दिखाया, समझाया, फिर शाम को जाकर बेबी लायन को पता चला कि वो शेर था। और शाम को जब धाड़ मारी है तो सब लोग भागे, शीप्स भागे, तो उस वक्त उसको पता चला कि मैं तो शेर था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो मैं साहब पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह, और ये हमारे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये अब चले जाए, और ये इम्पोर्टेंट हिस्सा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर चले जाए, तो जॉब ये कैरियर्स के अंदर हम जो है ना वो ये काम नहीं कर पा रहे थे, और कैरियर्स के अंदर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि कैरियर्स, ठीक है, जो अब आगे चलते हैं। तो जॉब्स के अंदर हमें कैसे लोग चाहिए थे, जो ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, ऐसे लोग जो फ्लेक्सिबल हों। फ्लेक्सिबल क्या क्या मतलब है, जो जल्दी उठ सकें, मोटरसाइकिल पे जा सकें, पैदल चल सकें, और फ्लेक्सिबल मीन जो 5 बजे ये ना कहें कि सर छुट्टी हो गई मैं जा रहा हूँ मोइन साहब, वो 6 बजे तक रहें, साथ काम को ऑन करें, वो पंजाबी सिंधी भी बोलें, फ्लेक्सिबल भी हों, वो नीचे वाले वर्कर्स के साथ भी दोस्त बन जाएं, वो जनाब अमेरिकन एक्सेंट भी बोल लें यार, पंजाबी भी बोल लें, सिंधी भी बोल लें, उनको पता हो फील्ड के अंदर काम करने का, ओनरशिप हो। तो जब 2010 का जमाना आया तो फिर तो आप, तो मैं आपको क्या बताऊँ, 2020 के बाद जो होने वाला है, वो कैसे लोग चाहिए, सुपर फ्लेक्सिबल लोग चाहिए, जिनके पास मल्टीपल स्किल्स हों। मैं यहाँ पर इसको जरा पेन चेंज कर लूँ, यहाँ पर जिनके पास मल्टीपल स्किल्स हों, बच्चों मल्टीपल स्किल, गार्डनिंग आती हो, प्लांटेशन आती हो, एनिमल्स को पालना आता हो, डिजाइनिंग आती हो, ग्राफिक्स आती हो, डेटाबेस आते हो, हाँ जी काउंसलिंग आती हो, कोचिंग आती हो, वाइब्रेशन एनालिसिस आते हो, इलेक्ट्रिकल के कुछ स्किल्स आती हो, डिजाइनिंग आती हो, यानी कुछ 4-5-6 स्किल्स, हॉबी, पैशन स्किल्स की फॉर्म में आती हो। अभी आपको पता है एयरबीएनबी ने क्या किया है, एयरबीएनबी इज ए बिग नेम, अब ट्रैवलिंग बंद हो गई है दुनिया में, अब एयरबीएनबी के जो घर हैं वो अब तो काम नहीं कर रहे, आप देखें क्या हुआ, हाय हाय अल्लाह हू अकबर। एयरबीएनबी ने ये कहा कि जनाब आप, ए मेरे साथियों पार्टनर्स, आपके पास जो स्किल है ना, वो स्किल जना आप शेयर करना शुरू कर दो एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म से। आप लोग पता क्या कर रहे हैं मोइन साहब, यानी मोइन साहब काफ़ी अच्छी बनानी आती है ना कॉफ़ी, तो मोइन साहब जो है ही कैन टीच फॉर 20 मिनट्स एंड चार्ज $10 एयरबीएनबी पे जाए। उसके बाद स्पोर्ट्समैन को उन्होंने एंगेज कर लिया कि मोइन साहब जो है क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, तो जनाब ये $50 लेंगे एक घंटे के और एयरबीएनबी पे जाएंगे। ये मजाक नहीं कर रहा है मोइन साहब, वाकई आप रजिस्टर कर लें अपने आप, एयरबीएनबी जाएं, तो आप बताएंगे कि जनाब
मैंने इमरान खान अपने स्टोरी टेलर्स आने शुरू हो गए सर एयरबीएनबी पर, स्टोरियां सुना रहे हैं। अच्छा एक बच्चा, एक बंदा जिसने शीप रखी हुई है न्यूजीलैंड में, वो जनाब आधा घंटा $40 देंगे तो वो आपको अपनी शीप से मुलाकात कराएगा। हाँ जी, मैं आपको अपनी बिल्ली से मुलाकात करा सकता हूँ, नेमती है छुतरी से, आई कैन मेक यू मीट माई कैट्स। हाँ जी, इसी तरह कोई कुत्तों से मिलवा रहा है, कोई शीप से मिलवा रहा है, कोई स्टोरी सुना रहा है। ओलंपियन है, वो कहता है कि मैं आपको ओलंपियन बनने की कहानी सुनाता हूँ। कोई एक्सरसाइज की टिप्स बता रहा है, कोई मेरी खाला चाय अच्छी बनाती हैं, 10 मिनट्स विद माई खाला, वो आपको कॉफ़ी बनाना सिखा देंगी। तो ये एक ऐसी डायमेंशन खुली है मोइन साहब, अल्लाह अकबर, इसको कहते हैं मल्टीपल स्किल्स आती हूँ आपको। और ये जो बीबीए के बच्चे हैं ना, इनको तो रगड़ा लगाएं सर, इनको ये आईटी प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। अभी मैंने इस महीने में इन लॉकडाउन में वीडियो मेकिंग सीखी है, वीडियो एडिटिंग सीखी है, ग्राफिक्स सीखी है एट द एज ऑफ 54। तो इन बच्चों को लगाएं रगड़ा, बीबीए वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को भी। ये जितने छोटे कोर्स है ना डीजी स्किल्स के, मैं आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ इग्नाइट, तो सैकड़ों कोर्सेज अवेलेबल हैं डीजी स्किल्स के नाम से, डिजिटल स्किल्स इग्नाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्किल्स का ज़माना है, डिग्री भी लेंगे, आपके रिश्ते भी, अभी तक पाकिस्तान में रिश्ते डिग्रियों पर चल रहे हैं, अगले 10 साल तक शायद चलें, तो अल्लाह ताला इसी बहाने IBA लम्स और DHA सोफा GT की माशाल्लाह बाहरें चलती रहें, और इनोवेटिव हो जाए इंशाल्लाह, और हमने हो जाना है इंशाल्लाह। और मोइन साहब जैसे साथी और हमारे HOD साहब और सारे DC सारे मिलके लगे हुए हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं, ठीक है जी। तो जनाब टास्क का ज़माना है, टास्क कैसे लोग चाहते हैं, मल्टीपल स्किल्स के, खुश अखलाक हों, तमीज़दार हों, स्माइलिंग फेस वाले हों, और ये जनाब ये टाइमिंग के कमिटमेंट के पाबंद हों, इंटेग्रिटी वाले हों, ह्यूमिलिटी वाले हों। अमेरिकन प्रोफेसर है, वो कहता है, उसने किताब लिखी है ह्यूमिलिटी इज़ द न्यू स्मार्ट। मैं इनको दिखा देता हूँ ताकि इनको पता चल जाए कि ये मैं वैसे नहीं बात कर रहा। बुक का नाम है, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, मैं ज़रा खोल लूँ उसको, ह्यूमिलिटी यानी अल्लाह के बंदो, ये किधर गुजर रहा, ह्यूमिलिटी इज द न्यू स्मार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर आप ये देखें जनाब, ये प्रोफेसर डार्डन इज ए टॉप नॉच बिजनेस स्कूल। ये अभी अमेजोन से मिल रही किताब, ये ऊपर नजर आ रही है आपको, ये आपकी लाइब्रेरी में, ह्यूमिलिटी इज द न्यू स्मार्ट। ये क्या कह रहे हैं, ये एडवर्ड हैज PhD हैं, प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं यार मार्केटिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सीख ही जाएंगे यार, इनको ह्यूमिलिटी सिखाओ, पहले आजी सिखाओ इनको, आजी सिखाओ। वो हेनरी मिन्सबर्ग कह रहे हैं इनको ग्रेटिट्यूड सिखाओ, शुक्र सिखाओ। एक और प्रोफेसर है, वो कह रहे हैं इनको कंपैशन सिखाओ, दूसरों से हमदर्दी करना सिखाओ। हेनरी मिन्सबर्ग कहते हैं काश कोई ऐसी डिग्री होती जिसमें या ह्यूमिलिटी की डिग्री हो, मास्टर्स इन ह्यूमिलिटी, मास्टर्स इन कंपैशन, मास्टर्स इन पर्सिमनी, मास्टर्स इन मेमन पन सिखाओ। अरे इनको मेमन पन सिखाओ, चुनौती पन, धोराजी पन, मोमन पन, यानी ये सिखाओ। तो जनाब अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि ये हम वहाँ चले गए थे वापस, गोइंग बैक टू द शेयर स्क्रीन। तो ठीक है जी, तुम फ्लेक्सिबल, ह्यूमिलिटी सीखना है, ग्रेटिट्यूड सीखना है, कंपैशन सीखना है। और अगली बात सुने मोइन साहब, वो कहते हैं कि ह्यूमिलिटी सिखाने के लिए ना इनको महीने में एक दिन कब्रिस्तान ले जाया करो, क्लास को पूरी क्लास उठाएं और जनाब वो DHA सुफा की बस लें, DHA के कब्रिस्तान में चले जाएं और वहाँ पर आधा घंटा गुजारें, जरा एक घंटा, और वहाँ एक्सरसाइज भी है, ग्रेवयार्ड एक्सरसाइज बॉस्टन की, वो आप गूगल करके डाउनलोड कर लें कि एक घंटा रिफ्लेक्ट करें। और इनको गैलेक्सीज दिखाओ, इनको जनाब वो हमारे ना लिखा होता था IBA, इसमें लिखा होता है फॉरएवर, याद है हमारे लोगों ने कहा यार खुदा के बंदो इस तरह के बड़े बड़े काम नाम नहीं लेते, फॉरएवर अल्लाह की साथ। तो ये फॉरएवर शेवर जो है ना, ये कुछ नहीं है। तो ये जब गैलेक्सीज की आप वीडियोस देखेंगे, जब आपको पता चलेगा कि दुनिया एक डॉट की तरह है और सूरज भी एक डॉट की तरह है और हमारी गैलेक्सी भी एक डॉट की तरह है, इतनी गैलेक्सीज हैं। तो जनाब आप कराची, आप पाकिस्तान को, कराची को, IBA को क्या समझते हैं यार? अल्लाह के बंदो खुदा का खौफ करो और आजी सीखो और गैलेक्सीज को देखो। दिस शुड बी पार्ट ऑफ द कोर्स, ग्रेवयार्ड एक्सरसाइज, ह्यूमिलिटी एक्सरसाइज, एनिमल एक्सरसाइजेस,
जानवरों से सीखो, शहद की मक्खी से सीखो, तो ये पूरी चीजें हैं। तो टास्क के जमाने में जो हमें स्किल चाहिए अदब की, बादब बानसी, जो आपने बड़ों की अदब नहीं कर सकता, टीचर्स का, अपनी अम्मी अबू का, वो भूल जाए कि उसके ऊपर अल्लाह का फजल होगा। अदब छोटों से भी रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों को भी रिस्पेक्ट करनी है। हाँ जी, अपने पेरेंट्स की, अपने हमसायों की, जो अपने ड्राइवर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ये गनी ग्लास के सीईओ हैं इम्तियाज साहब, ये बिलियनर आदमी है, बिलियनर। ये आई भी आए हमारे सर एज अ गेस्ट स्पीकर, वो इनका प्लांट शारजा में भी है, कराची में भी है, हरिपुर में भी। तो ये इन्होंने अब एमबीए के बच्चों से खिताब करना था, तो इनका खिताब शुरू हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारे बच्चों, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने बात क्या करनी है, तो मैंने जो मेरा ड्राइवर है ना, मैंने उससे पूछा, खान बाबा ये बताओ बच्चों से क्या बात करूँ। यानी एक ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ ड्राइवर से पूछ रहा है कि मुझे टिप्स दो, कि मुझे बताओ कि मैं क्या बात करूँ किनको, आईबीए के एमबीए के बच्चों से। तो उस ड्राइवर ने, सर आपकी बात सही है, मेरा मशवरा ये है इन बच्चों से ये कहें कि प्यारे बच्चों, जिस तरह एक फूल होता है वो खुशबू देता है और देखने में भला लगता है, तो प्यारे बच्चों तुम भी फूल बनकर जिंदगी गुजारो। तो इम्तियाज साहब ने स्पीच यहाँ से शुरू की। तो एक सीईओ ड्राइवर की बात को इम्पोर्टेंस क्यों दी उसने? वो इसलिए कि इम्तियाज साहब इज ए ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। इम्तियाज साहब आम सीईओ नहीं है। इम्तियाज साहब साल में एक दफ़ा ट्रेन में सफ़र करते हैं, ये साल में एक दफ़ा पैदल सफ़र करते हैं अपने बच्चों के साथ, जो सीईओज हैं इनके, और ये टूर लगाते हैं, और ये कहते हैं शायद भाई मैं ईंट सर के नीचे रखकर सो सकता हूँ, और मैं इसी कराची की ट्रेन, कराची से लाहौर ट्रेन पर गए, और मेरे अंदर ये रेजिलियंस है, ये दीन की बरकत से भी है, मैं बहुत मॉडर्न आदमी था, फैशनेबल आदमी था, और अल्लाह ताला ने मुझे विजडम दी, कुरान पढ़ने का मौका दिया, कुछ अच्छे लोगों की सोबत मिल गई, उससे मुझे पता चला कि इंसान के अंदर की ताकत क्या है। उसके बाद मुझे पता चला कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ड्राइवर भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी उसने सलूक से पेश आओ, उसके अंदर भी एक खूबी मौजूद है। तो मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठता हूँ और ड्राइवर से भी मशवरा कर लेता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो, मेरा ड्राइवर भी दीनदार और समझदार है, ये उसका मशवरा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, टास्क और गिग इकोनॉमी में ऐसे लोग चाहिए, आजी वाले, इंकसारी वाले, मशवरा करने वाले, मशवरा देने वाले, इशार वाले, कुर्बानी करने वाले, मुस्कुराहट वाले, खदमत करने वाले, लोगों को जितवाने वाले, मुकाबले की बजाय ताउन करने वाले, हाँ जी, और छोटे काम करने वाले। हमारे इशफाक अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, हाँ जी, टाइम कितना रहेगा, 10 मिनट जी? अभी आपके पास है तकरीबन 15 मिनट, 15 मिनट्स। तो हमारे इशफाक अहमद साहब मरहूम ये कहते थे कि जनाब कोई काम छोटा नहीं होता। इशफाक साहब कहते थे कि जब हम अपने बाबा जी के डेरे पर जाते तो हमारे बाबा जी मटर छीलने पर लगा देते, प्याज छीलने पर लगा देते, बर्तन धोना। तो इटली गया, इटली जब मैं गया तो वहाँ पर मैं ये बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर भी थे, ड्रामा निगार भी थे, तो कहने लगा मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो रस्ते में एक बिल्डिंग पड़ती थी, एक स्काई 15-20 मंजिला बिल्डिंग थी, तो उस बिल्डिंग के पास से मैं गुजरता था, तो मैंने एक दिन देखा कि फुटपाथ की सड़क है, तो फुटपाथ के ऊपर एक आदमी वाइपर चला रहा है और सफाई कर रहा है। तो मैंने उससे सलाम दुआ की, ये बिल्डिंग समझें ये बहुत बड़ी है, बंदा बड़ा बड़ा हो गया, तो चले। तो वो उसने कहा कि मेरी सलाम दुआ होती, रोज होते होते तो सलाम दुआ हो गई। तो एक दिन मैंने पूछा आप कौन है, उसने कहा मेरा नाम क्लाइव है। तो मैंने पूछा आप क्या यहाँ मुलाजिम है, उसने कहा नहीं ये इस बिल्डिंग का ना मैं ऑनर हूँ, ये मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, और ये 15 मंजिला बिल्डिंग है, 20 मंजिला, इसके मिलियन डॉलर की ये मलकियत है। उसने कहा सर ये आप सफाई क्यों करते हैं, शीशे भी आप साफ करते हैं? उसने कहा कि मेरे प्यारे भाई, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, और मैं यहूदी हूँ, और हमारे जो प्यारे नबी हैं मूसा अलैहिस्सलाम हमें ये सिखा कर गए हैं कि बकरियाँ पालना और घर के काम करना, सफाई, बाथरूम और ये इस तरह के जो काम होते हैं ये छोटे नहीं होते, यही जो काम है इन्हीं से बड़े काम निकलते हैं, इसी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। तो जो छोटे काम करता है वो अल्लाह की रहमत में और नबियों के दायरे में आ जाता है। एक लाइव ने कहा नबियों के दायरे में आ जाता है।
और उसने कहा कि इश्फाक तो मुसलमान हो, कहते जी, कहते इश्फाक तुम्हारे जो प्यारे नबी थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का काम करते थे और टांका भी लगा देते थे और झाड़ू भी साफ कर देते थे और लकड़ियां भी उठा कर ले आते थे और जनाब इस तरह के सारे काम उनसे साबित हैं। वो कहता था कि जो आदमी जो लोग जो कौमें छोटे काम नहीं करती उनके बड़ों उनको बड़े कामों की तौफीक नहीं होती, जो छोटे काम करेंगे उनसे बड़े काम उनको तौफीक मिलती रहती है और इन्हीं छोटे कामों से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। इश्फाक साहब कहते हैं जब मैं वापस आया बाबा जी को बताई उन्होंने हमें सुई धागा डालने पर डाल दिया, कपड़े सीने पर डाल दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों बच्चों गिग इकोनॉमी के अंदर आपको जो आदमी बाथरूम नहीं साफ कर सकता, माली मासी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता और जनाब गाड़ी को साफ करना, अबू का साथ देना, बेटियों का अम्मी का साथ देना, एक दूसरे का मुआवन बनना। मेरा बचपन अमेरिका में गुजरा है क्लास 5 में 1974 मैं अखबारें तकसीम करता था, अबू को तनख्वाह थोड़ी मिलती थी $300, मेरी वालदा बेबी सिटिंग करती थी। तो ये तो वहाँ पर मायूब ही नहीं था, ये तो मायूब पाकिस्तान में बन गया। मैंने अखबारें बेची हैं, मेरी तस्वीर है कहीं, अभी अभी इस वक्त नहीं है, शायद मैं दिखा पाता। एक साइक मैं क्लास 5 का बच्चा शाम 3 बजे की अखबार तकसीम करता था और घरों के बाहर जाकर डालनी होती थी मुझे, और एक ट्रॉली दी हुई थी अखबार वालों ने, अखबारों का बंडल घर के बाहर ड्रॉप कर देते थे, साइकिल के पीछे ट्रॉली लगाता था फिर वहाँ ले जाता था। उस बिल्डिंग में फ्लैट में 6 घर हैं, 6 अखबारें उठाई ऊपर चढ़ा और हर एक के आगे डाल दी और महीने के बाद $15-20 मिल गए। पैसा बनाना नहीं है, ये माइंडसेट है मेहनत का, मुशक्कत का, सादगी का, आजजी का, खिदमत का, और कदर होती है। हमारे अम्मी अब्बू ने जो पैसे कमाए हैं इसकी कदर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो हमारा जो टॉपिक था ये ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रहा है, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और इसमें तो वंस अगेन जो टास्क की चीज़ें हैं ना जी, जिसके ऊपर इस वक्त अभी आपको अभी चंद मशवरे हैं जो हमारे बीबीए इलेक्ट्रिकल और जो बाकी फैकल्टी हजरात से भी हमारी गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत बहुत ही आला मुकाम दिया है। यानी अगर आप यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप 1800 में 1900 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की उसकी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी की जो चीफ गेस्ट थी, ये 1926 में जो अलीगढ़ की जो ग्रेजुएट 26 से 20 तो यहाँ की जो ग्रेजुएशन सेरेमनी की जो चीफ गेस्ट थी वो खातून थी, उनका नाम था सुल्ताना जहां, ये रियासत भोपाल की वालियाँ थीं और ये तकरीर करने आईं। तो इन्होंने इनकी तकरीर, ये जो है ना इनकी किताब है, हमारे जो मशहूर राइटर हैं जो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट अभी याद आ जाता है, तो वो जनाब उन्होंने लिखी है। तो वो आईं, ये पूरा पर्दा करती थी, घुड़सवार थी, इनको फायरिंग लाती थी, शिकार आता था, मल्टीपल जुबानें आती थी, अंग्रेज़ों से मिलती थी तो दस्ताने पहन लेती थी कि पहन कर मिलूंगी। अगर तुम्हारी मलका दस्ताने पहन कर मर्दों से मिलती है, अगर तुम्हारी मलका तो मैं भी मुसलमान खातून हूँ, मेरी भी मेरा भी वैल्यू सिस्टम है। हाँ जी, और उसने स्पीच की, वो स्पीच उनकी किताब में लिखी हुई है मोइन साहब, शेर खातून थी यार। हमारी बेटियों को दे हैव टू इक्विप देमसेल्व्स, दे हैव टू इक्विप देमसेल्व्स टू बी ए फाइटर, एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, वैल्यू वाली हो, बिलीफ वाली हो, खिदमत वाली हो, यानी वो जनाब कॉन्ट्रीब्यूशन वाली हो। वो जनाब सबक दे रही है, ए अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और टीचर्स, ए अलीगढ़ वालो, अलीगढ़ का मकसद, वो कहते हैं पता क्या कहती है, मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारे पास एक तरफ इल्म और हिकमत, दाएं हाथ में तुम्हारे फलसफा और नॉलेज लिटरेचर हो, एक एक हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी हो, एक हाथ में इल्म और फलसफा हो, और सर पे तुम्हारे कुरान हो, और सर पे तुम्हारे कुरान हो, और खुदा ताला को राजी करने का जज्बा हो। मोइन साहब ये देखें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो फाउंडेशन बनी पाकिस्तान की, उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी की तकरीर हो रही है जी जी, और एक पर्दादार खातून फुली कवर्ड बात कर रही है, और वाली अमीर तरीन, ये रियासत लोन देते थे सऊदी अरब को,
ये भोपाल वाले दक्कन वालों ने मक्का मुकरमा में रेस्ट हाउस बनाकर देते थे, अब्दुल अजीज साहब जो थे शुक्रिया अदा करने आते थे, इनके बड़े अमीर लोग थे, ये जमाने की सिविलाइजेशन का मरकज थे ये लोग। ये तकरीर कर रही है और ये कह रही है कि मेरे प्यारे बच्चों हमें हमें डिग्री के कह रही है तकरीर में कि हमें डिग्रियों वाले लोग नहीं चाहिए, हमें नंबर लेने वाले लोग नहीं चाहिए, अरे हमें हमें इलम सीखने वाले लोग चाहिए, हमें खिदमत करने वाले लोग पैदा करने। तो वहां पर शेर क्या पढ़ा जाता था, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। ये क्या हो रहा है डीएचए में आईबी में, मकसद क्या है, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नौ बशर तब्दील होती है यहाँ। नौ बशर कहते हैं कि हर तरह के इंसानों की, यानी डीएचए में बंदा आए चार साल और उसकी किस्मत तब्दील ना हो, उसका माइंडसेट तब्दील ना हो, तो जनाब टीचर्स को लग जाए सारे डट जाए दबा के, इरम साहबा एच ओ डीज और सारे जनाब इनको स्किल भी दें, माइंडसेट भी दें, खिदमत पर भी लाएं, किस्मत नौ बशर तब्दील होती है यहाँ। ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर लिखा होता था 1940-50-60 में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में 1910-20 से पहले लिखा होता था, अमेरिका में भी यूनिवर्सिटी में लिखा होता था, वी आर हियर टू सर्व, वी डू नेशन बिल्डिंग। ये जब से कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई है ना 1930-40-60-70 के बाद, ये सब उड़ गया, गायब हो गया। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये शेर जो है ये हमारे नाम भूल गया मेरे दोस्त का, गोविंद साहब जी 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 एक्चुअली साहब का नाम भूल गया मैं, डॉक्टर फहीम साहब, डॉक्टर फहीम, फहीम साहब, सॉरी, वो मेरे फहीम उल इस्लाम की तरफ चले जाते हैं मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे फहीम साहब आप बिजनेस डिपार्टमेंट के बाहर लिख के लगाएं, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नौ बशर तब्दील होती है यहाँ, कि जनाब यहाँ पर हम माइंडसेट चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बनेंगे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ बनेंगे, अदनान बनेंगे यहाँ पर, अदनान मल्टीपल अदनान बनेंगे, 10 times अदनान स्क्वेयर बनेंगे, अदनान पावर ऑफ 10 बनेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर खिदमत डॉक्टर बारी की खिदमत वाले माइंडसेट के लोग बनेंगे, और डीएचए सुफा जनाब सफेबल की यूनिवर्सिटी बनेगी, और आईबी वाले भी सीखने आएंगे यहाँ पे, और इसलिए कि जो नई यूनिवर्सिटी होती है ना उनके पास पोटेंशियल होता है। डॉक्टर साहब, ये हमारे बच्चे हैं जो डबली के हैं और बीबीए के हैं, इस वक्त कोई सीनियर स्टेज पे है, कोई सोफोमोर स्टेज पे है, तो इनको क्या एडवाइस करेंगे एट दिस सिचुएशन एट दिस स्टेज, और ज़ाहिर है एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं इनको और प्रैक्टिकल, इनको इस वक्त आप क्या एडवाइस देंगे, इस वक्त व्हाट दे कैन डू, आई मीन हाउ कुड दे स्टार्ट, आई मीन एनीथिंग, आई मीन इफ दे स्टार्ट। अल्लाह से दुआओं में इजाफा करें, ये बाबरकत महीना है, और दुआओं का एहतमाम कर लें और अल्लाह ताला से मांगना शुरू करें, उसके बाद जो है हमें ये तय करें कि हमने नीयत सही कर, नीयत ये करें कि सारे के सारे मिलकर मैं भी, कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पूरी दुनिया के लिए, अल्लाह ताला सारे इंसानों के रब है, रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह ताला सारी कुंबा एक फैमिली है, वी आर ऑल वन फैमिली, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, तो हम पूरी दुनिया के लिए रहमत बन जाए। आपको पता है इस वक्त ये कोरोना जो है ये मुसीबत भी है लेकिन रहमत भी है, एक लिहाज से रहमत इसलिए है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, छोटी सी और बात करनी पड़ जाएगी, जी करें करें, वो इस वक्त प्यारे बच्चों इस वक्त मसला ये हुआ है कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो हमने शाहाना और फजूल खर्ची वाला और माहौलियाती आलूदगी वाला जो लाइफ स्टाइल इस वक्त इंसानों ने अपनाया हुआ है ना, पूरी दुनिया के इंसानों ने, मैंने आपने सब ने, अमेरिका यूरोप सब ने, जो हमारा लाइफस्टाइल है इस वक्त वो ये इस लाइफस्टाइल के तहत, और वो जो यूएस ड्रीम है ना, इस वक्त हर आदमी यूएस और कैनेडियन ड्रीम को फॉलो करना चाह रहा है। यूएस ड्रीम क्या है कि मेरे घर मिले, मेरा एक घर हो जिसमें बेसमेंट हो, जिसमें लॉन हो, गाड़ियाँ हो, गैराज हो, स्विमिंग पूल हो, और जनाब 4-5 गाड़ियाँ हो, बहुत खूबसूरत स्पाउस हो, बच्चे हों, प्लेग्राउंड हो, तो हर बंदे की ड्रीम है ये वाली चीज़, और वो चाह रहा है कि स्टेट ब्रांडेड चीज़ें भी हों मेरे पास, स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें भी हों, ब्रांडेड भी हों, ये वाला जो लाइफस्टाइल है ये अगर सारी दुनिया के लोगों को मिल जाए तो आपको पता है कि कितनी दुनियाएं चाहिए मोइन भाई, 10 दुनियाएं चाहिए, 10 10 वर्ल्ड्स चाहिए,
अमेरिकन लाइफस्टाइल देने के लिए, और अगर आप यूरोपियन लाइफस्टाइल देना चाह रहे हैं हर एक को, वहाँ फ्लैट ज्यादा होते हैं तो आपको पांच दुनियाएं चाहिए जी, पांच दुनियाएं चाहिए, फिर जाकर लोगों को जरूरतें पूरी होंगी। और अगर आपको अफ्रीकन लाइफस्टाइल देना हो तो फिर एक दुनिया काफी हो जाएगी 75% हर एक को। अगर अफ्रीकन लाइफस्टाइल हर एक को दे दिया जाए, अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान सबको, तो फिर एक दुनिया काफी हो जाएगी। तो अब बताएं कि 10 दुनिया तो मिल नहीं सकती हमें, 5 दुनिया तो इस दुनिया में मिल नहीं सकती, जन्नत में मिलेंगी इंशाल्लाह, यहाँ तो एक ही है। और इसी के अंदर भी इंसानों ने इसके साथ जुल्म ये किया है हमने पिछले 70 सालों में कि इस दुनिया को हमारे वो इकोनॉमिस्ट सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं वी आर इन ए स्ट्रेट फ्री फॉल कहते हैं इस कंडीशन को, जब जहाज से आप जहाज में उड़े और जहाज से आप छलांग लगा दिए 30,000 फुट से। तो यहाँ से जनाब मोहिन साहब ने मैंने छलांग लगा दी, तो यहाँ पे अब पैराशूट भी नहीं है, तो जनाब यहाँ पर जो बंदा गिरेगा, मैं भी नहीं, यार मुझे डर लग रहा है, तो इसमें इस समबड़ी फॉल्स, तो जब नीचे गिरेगा तो उसकी तो बोटी भी नहीं मिलेगी। तो इस वक्त हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि पूरी दुनिया फ्री फॉल में है, कैंसर, बीमारियां, टेंशन, एंग्जाइटी और इतनी बीमारियां हैं इसलिए कि इन्वायरमेंट, इतने जहाज उड़ रहे हैं हमारे, ये जो हमारी दुनिया है इसके ऊपर बादलों से ऊपर जो जहाज लाखों फ्लाइटें ऊपर चल रही हैं, ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमें घेरा है, नीचे वाला पोल्यूशन भी है बादलों के नीचे, वो तो बारिशों से कवर हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पोल्यूशन तो ये तो अभी कोरोना की वजह से ब्रेक लगी है तो वो जड़ा है। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये अल्लाह ताला ने एक आई थिंक इट्स ए वार्निंग साइन, इट इज ए ब्रीदिंग साइन कि हम गौर करें, रिफ्लेक्ट करें अपने लाइफस्टाइल को। हमने दुनिया भी बर्बाद करने की ठानी हुई है, आखिरत को बर्बाद करने की भी ठानी हुई है। दुनिया इसलिए कि इस लाइफस्टाइल पैटर्न पर, इस ब्रांड पैटर्न पर सस्टेनेबल नहीं है, ये पानी, ये हवा, ये मिट्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बीमारियाँ उमड़ कर आ रही हैं, आएंगी लाइफस्टाइल पैटर्न। तो ये कोविड हैज़ बिकम एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक दिस साइकिल। और आखिरत के हवाले से ये है कि शुक्र का, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि आई वॉन्ट पीपल टू बी फुल ऑफ शुक्र, तो शुक्र करना ये अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद दिया है, शुक्र करना नेमतों का। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं नाशुक्री पर कौमों को बर्बाद कर देता, मैं इनको कौमों को इनसे नाराज़ हो जाता। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम थैंकफुल, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज आवर लाइफस्टाइल, अपने ब्रांडेड को ख़त्म करके इनोवेशन लेकर आए। अब मोहिन साहब का सवाल ये था कि अब हम क्या करें, तो मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब मौजूद है, DHA सुफा के सेशंस भी हो रहे हैं, वो भी मौजूद हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, मटेरियल तलाश करें। जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल में 40 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो उन 40 कोर्सेज में पहले 7 साल को निकाल दें, वो बेसिक्स हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, जिस एरिया में बच्चों को कोई शौक होता है, उस शौक से मुतल्लिका लोगों को अपने फैमिली में, ख़ानदान में, दोस्तों में तलाश करें, टीचरों से कहकर, सरबत से मिलें जो मैंने नाम लिया, उस तरह के लोगों से मिलें, उनसे मशवरा करें, उनके पास इंटर्नशिप करें, उनसे जूम लिंक पे उनसे बातें करें, यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देखें, घर में थोड़ा सा सामान खरीदें, एक्सपेरिमेंट करें। जी जी, बस और क्या, और इसके अलावा अखलाक को बेहतर करें, आजी इंकसारी, जिसको पेट्स का शौक है पेट्स का शौक जारी रखें, जिसको डिजाइनिंग का, ब्लॉगिंग का, कुकिंग का, यानी लड़के भी, ये भी हमारा लड़का है, उसने जनाब माशाल्लाह काम शुरू किया, महीने का 2-3 लाख ये परफ्यूम शॉप जौहर में उसने जनाब बन रोड का बन की दुकान खोल दी माशाल्लाह, इंग्लैंड से एम्बेसी करके आया और रेडी लगाई, साफ सुथरा जीन की पेंट, मक्खियों से पाक, साफ सुथरा ऑर्गेनिक कैचअप उसने घर में बनाई, सादा वाली, केमिकल से फ्री। अब वो जनाब 30-40 रुपये का एक बन बेच रहे जनाब, अब वो अब कह रहे सर इतना रश है, मैं 3 लाख रुपये, ठीक है जी। तो जो जिसको शौक है उसका एक्सपेरिमेंट करे, अपने अम्मी अबू फैमिली में, उसको हम बर्थडे लैंड कहते हैं, तो टीचर से मशवरा करें, मोइन साहब से मशवरा करें, डॉक्टर साहब जो हैं, इरम साहब से मशवरा करें, और हम भी हाजिर हैं जी इंशाल्लाह। और टीचर से दरख्वास्त है कि टीचर्स को अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत बड़ा मुकाम दिया है, और इनको अल्लाह तआला ने लीडरशिप रोल दिया है, तो ये अपने कोर्सेज को अप्लाई कर लें अगर, और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के मॉड्यूल्स डाल लें,
और अल्लाह ताला इनको सदका जारिया बनेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ये एक टीचर का एक अच्छा बोल क़यामत के दिन इनके लिए अजर का जरिया बन गए, तो अल्लाह ताला आप की तौफीक नसीब। जी जी, अपना डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब जी सर बिल्कुल। हाँ बस बस, मैं तो आखिर में इज दैट ऑल, आई मीन आप कुछ और करना चाहेंगे या जस्ट बस बच्चा सवाल पूछ ले क्योंकि वो हाँ कोई 5 to 10 minutes of question answer session please, कोई बच्चे सवाल कर सकता है? इसका तरीका है चैट बॉक्स पर लिख दें, ये भी अजीजी हो जाएगा जरा। हाँ मुनीर जावेद, सुफियान, वकार, हमजा, अगर कोई सवाल क्या कर मतलब हमें मशवरा करना हो, शाबाश। सायरा बासित, एनीबॉडी बेटा, बस मेरी एक नसीहत ये है कि अपने आप को कम ना समझें कि हमारे ए लेवल में कम नंबर आए या मैं लम्स नहीं गई, मैं हार्वर्ड नहीं गया, लंदन नहीं जा सका। ये जो है ना जी, कि डी एच ए सुफई आपके लिए हार्वर्ड बन सकती है, कि डी एच ए सुफई आपके लिए लम्स बन सकती है, डी एच ए सुफई आपके लिए आई बी ए बन सकती है, और है वो देखने वाली नज़र चाहिए। वो जब हिम्मत कम हिम्मत ही होती है ना मेरे बच्चों, जो कम हिम्मत ही होगी वो हार्वर्ड से भी फ़ायदा नहीं उठाएगा, जो कम हिम्मत होगा वो लम्स से भी फ़ायदा नहीं उठाएगा, बता दूँ आपको। पैसे देने के लिए तैयार नहीं है तो उसको बाकी जगह से कैसे मिलेगी? तो अम्मी कब देंगी फंडिंग, अब्बू कब देंगे? जब हम सुबह सुबह उठेंगे, जो बच्चा 11 बजे उठेगा अपना हमारे मोइन साहब, उसके अम्मी पैसे देंगे उसको काम करने के लिए? बस दुआ तो, करेंगी दुआ, वो उसके लिए दुआएं करेंगे, रोएंगी। तो फंडिंग बेटा हम इसको मोइन साहब आपको समझा देंगे, इरम जबासी साहब कि इफेक्चुएशन टेक्निक्स हैं, इसको कहते हैं गाड़ी का पहला दूसरा तीसरा गियर। तो जब गाड़ी पहले दूसरे तीसरे गियर में लगती है ना तो आहिस्ता आहिस्ता चलती है, तो पहले दूसरे तीसरे गियर में फंडिंग को नहीं, अपने घर से अपनी सेविंग्स लेकर आओ ना बच्चे, ट्यूशन पढ़ाओ। हमारा लड़का हुज़ैफ़ा जो है ना, वो बीबीए में पढ़ रहा था, तो एक दिन वो आया चौथे सेमेस्टर पाँचवीं में, कहता सर ये केक लाया हूँ, तो सर ये तोहफा है, आपका शुक्रिया अदा करना है। मैंने कहा क्या हुआ? सर 10 लाख रुपए बना ली मैंने। मैंने कहा वो कैसे बनाए? कहने लगा सर वो आपसे पढ़ा था हमने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक इश्तहार दिया जंग अखबार में, जिसने ओ लेवल की ट्यूशन पढ़नी है वो मुझसे रब्ता करे, और एक और इश्तहार दिया जिसने ओ लेवल की ट्यूशन पढ़ानी है वो मुझसे रब्ता करे। सर मैचिंग करानी शुरू कर दी, पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए, आई बी ए के बच्चों को मैंने तैयार कर दिया एज ए इंस्ट्रक्टर, तो वो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 लाख महीने का बना लिया, और अब मैंने दूसरा बिजनेस भी शुरू कर दिया है, तीसरा भी कर दिया है। अभी कल परसों मैसेज आया, उसने कहा कि सर वो अल्हम्दुलिल्लाह सर वो मैं आजकल तरावी सुना रहा हूँ, तो अभी 1 महीने की ब्रेक है। सारा समी साहिबा का मैसेज आया, हाउ टू डील विद सोसाइटल प्रेशर द फेलवर। मेरे प्यारे बच्चों, जब छलांग छोटी लगाएंगे ना तो फिर फेलवर चोट कम लगेगी, तो छोटी छलांग लगाएं। यानी सारा साहिबा अगर बिजनेस की हैं तो आपको अगर शौक है डिज़ाइनिंग का, बुटीक का, तो तीन कपड़े जोड़े के सिए, एक खुद पहने, एक अपनी अम्मी को कज़न को दे दें, और वो कज़न महन जहाँ किसी शादी में जाएंगे, एक चीज़ में जान होनी चाहिए, तो जो आपकी बहनें कज़नें देखेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो आपने एक सूट सिलाने में 5-6 हज़ार लगाए ना, तो आपका जो फेलवर क्या होगा? अगर वो ऑर्डर ना आया तो आपने तो सूट पहना ही हुआ है ना, तो आपका रिस्क तो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है, 5,000 रुपये का रिस्क है, और रिस्क बहुत थोड़ा है, वो आप पहन भी तो रही है ना, तो इस तरह इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। तो इसी तरह स्लैम गर्ल्स के नाम से दुबई में है एक, अभी परसों हमने केस लिखा है 2-3 दिन पहले, तो इसी तरह ही उन्होंने उस खातून ने अबाया बनाए, फेसबुक पर डाले, पसंद करते करते चूड़ियाँ अबाया करते करते वो पता नहीं लाखों रुपये महीने का बना रही, माशाल्लाह। ये मेरी स्टूडेंट है मरियम जहूर, गर्ल्स शायद जानती हूँ, वो खुवातीन वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, आई बी ए की ग्रेजुएट हैं, छोटे छोटे काम करने शुरू किए। हमारी नीदा गुल हैं, वो मॉडर्स क्लॉथिंग के ऊपर काम कर रही हैं, मॉडर्स क्लॉथिंग घर के अंदर से काम करती हैं, तो 6 कपड़े सिए, 6 कपड़ों के कितने पैसे होंगे? 25-30 हज़ार, 25-30 हज़ार की चीज़ें बनाई, फेसबुक नेटवर्क में बेची, बिक गई तो ठीक, ना बिकी तो खुद पहनेंगी, रिश्तेदारों को तोहफे दे देंगी। ठीक है जी, साले साहब सारा साहब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी फरमाए। तो मेरी नसीहत यही है, ये मशवरा यही है
कि अपने आप को बिल्कुल कोई एहसास कंपनी नहीं होना चाहिए कि मैंने बिजनेस में जाना था, इलेक्ट्रिकल में आ गया हूँ। इलेक्ट्रिकल, ये जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं ना, ये इनको एक और नसीहत है कि प्रोग्रामिंग सीखने, भाई जिसका दिमाग चलता है ना प्रोग्रामिंग पर, वो उस तरफ जाए प्लीज। अभी जी आई के का एक बच्चा है इलेक्ट्रिकल का, वो आया कहने का जॉब नहीं मिल रही, तो फिर मैंने उसको मशवरा दिया गया कि बेटा तुम 2-3 महीने ना फ्री ये प्रोग्रामिंग सीख लो, जावास्क्रिप्ट। उसने वो सीखी और वो उसको जनाब एक दोस्त का रेफरेंस से 20,000 की जॉब मिल गई। उसको ये पता चला कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो मैं था ही नहीं, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब वो 70-80,000 पर चला गया अम्मा लाहौर में होता है, ठीक है जी, तो उससे मैं रब्ता करवा सकता हूँ। तो जनाब आपके अंदर एक समुंदर छुपा हुआ है, उन सलाहियतों को जाने मेरे प्यारे बच्चों। फलक फारूकी साहब कहते हैं, इज देयर एनी एडिशनल रिस्क टू स्टार्ट स्टार्टअप विद अ फ्यू फ्रेंड्स एज पार्टनर और इंडिविजुअल? बेहतर होता है शुरू में, लेकिन अगर अच्छे दोस्त हैं जिनकी तबीयतें आप जानते हैं और जो कॉम्पैटिबल हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक इंजीनियर है, एक डिज़ाइनर है, एक मार्केटिंग का, इस तरह मिल जाएं और तय कर लें पहले कि जनाब 30-30% शेयर है या 60-40-30 है, वो अगर ज़रा पहले तय कर लें तो इंशाल्लाह झगड़े के चांसेस कम होंगे। और ये तय कर लें कि अगर अलग होंगे तो उसी प्रपोर्शन से हम डिवाइड कर लें। जजाकम अल्लाह। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं आखिर में जो है वीसी की तरफ से और ब्रिगेडियर सईद साहब जो प्रो वीसी हैं और ब्रिगेडियर रफीक साहब जो रजिस्ट्रार हैं, डीन साहब की तरफ से एंड स्पेशल थैंक्स फ्रॉम एचओडी डॉक्टर फहीम साहब की तरफ से और तमाम फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर, विद द बॉटम और हार्ट, कि आपने टाइम निकाला और बहुत मुफीद बातें हमें सीखने को मिली। और इंशाल्लाह ये बच्चे, आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे बहुत सारे डीएचए के बच्चे, जैसे जुबैर अजम है डबल ई का, वो भी उसने डेवलपर बन गया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ घर में काम कर रहा है, 40,000 रुपये मंथली कमा रहा है। तो इसी तरह आपकी बातों से, और आप जाहिर एजुकेटर हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बच्चों को टीच कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। और जाहिर है जो एक हाथ होता है देने वाला, एक हाथ होता है लेने वाला, तो देने वाला बड़ा होता है। And we should become independent personality rather than dependent personality. तो सबसे जो important चीज़ है, आखिर में एक मैसेज जो आपसे मैंने सीखा, और मैं आपको सब बच्चों आपको बता दूं, डॉक्टर शाहिद कुरैशी ने मुझे ये बुक दी थी कि अमेरिका से मंगवाई थी, फिर मैंने और डी एच ए सोफाइसी में लॉन्च की थी एफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप। इन्हीं के मशवरे से मैंने ये काम डी एच ए में शुरू किया था और इनसे बकायदा मशवरा हुआ कोर्स आउटलाइन के बारे में वे बैक करीबन 5 साल पहले। तो आई रियली थैंक्स यू डॉक्टर शाहिद वंस अगेन, तमाम बच्चों की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, और इंशाल्लाह हम जरूर इससे मैक्सिमम फायदा उठाएंगे। और मैं चाह रहा हूँ वंस अगेन, पता नहीं मैं बेचैन हो जाता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी से भी आप क्रॉस कर सकते हैं। यानी ये मैं वैसे नहीं कह रहा आपको मोटिवेट करने के लिए, ये मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे हमारे प्यारे भाई या इसके विटनेस हैं कि जनाब इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये हमारा मॉडल सीखने के लिए गोरे यहाँ आ रहे हैं, गोरे आ रहे हैं। और कल वो चिल्ली का प्रोफेसर कल आएगा, कल ही विल बी टॉकिंग विद मी, तो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा अगर आप बच्चों को पसंद करें तो। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि ये डी ए के सुफर के इलेक्ट्रिकल के बीबीए के बच्चे हैं ना, आप अपना आप भूल जाएंगे, आप कहीं अच्छी जगह नहीं जा सके, यही अच्छी है आपके लिए, यही बेस्ट है आपके लिए। और जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, अनवर डार जिसने मुझे हायर किया था, जिसने गिफ्ट यूनिवर्सिटी बनाई, 12 जमात का सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास। अनवर डार साहब ने जो वाइस चांसलर हायर किया हुआ है गिफ्ट यूनिवर्सिटी के लिए मेरे बच्चों, वो पता कौन है? इज ए लम्स ग्रेजुएट, इज ए इंजीनियर फ्रॉम यूटी लाहौर, लम्स से एमबीए किया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से एमबीए किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है, लम्स के फैकल्टी मेंबर रहे हैं, केएसबीएल कराची के फैकल्टी मेंबर हैं, इस वक्त वाइस चांसलर हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला के, काम कर रहे हैं अनवर डार साहब के लिए। और अनवर डार साहब कौन है? जो एफएफएल है। तो जनाब आपके अंदर इतना पोटेंशियल छुपा हुआ है कि आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी को भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल पकड़ सकते हैं। ये मेरी तड़प है कि पाकिस्तान के, तो आखिर शेर पढ़कर फिर बंद करता हूँ। जी जवानों को मेरी आह सहर दे, इन जवानों, इन शाही बच्चों को बालो पर दे, इन बच्चों को ऐसे विंग्स मिल जाएं, ऐसे विंग मिल जाएं अल्लाह
और हमारे डीएचए के जरिए, फैकल्टी के जरिए, हमारे जनाब एचओडी फेम साहब के जरिए, हाँ जी हमारे जनाब इरम साहब के जरिए और सारे टीचर्स के जरिए ऐसे विंग्स मिले हैं कि जनाब रहमत बन जाए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे रहमत बनाए, सुनने को उसको कबूल फरमाए, जो चीज़ें मैंने जज्बात में कह दी हैं उनको डिलीट कर दे, उनको अल्लाह सुब्हान व तआला उनको आपके जहनों से भी निकाल दे, मुझे भी अपना प्यारा बंदा बनाए, और जब दुनिया से रुखसत हों तो इस हाल में रुखसत हों कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो। बहुत शुक्रिया जनाब मोइन साहब, थैंक यू। मैं आपको वीडियो कॉलिंग शेयर, जी जी हाँ, जो जिसको वीडियो चाहिए काइंडली कॉन्टेक्ट मी, इंशाल्लाह हम अरेंज कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।